हाय एवरीवन हेलो व्यारे बच्चों क्या हालचाल कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी करने वाले हैं और कल इसी का प्रैक्टिस होगा यानी कि सौ क्वेश्चंस कराऊँगा मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर ठीक है तो आज पूरी थ्योरी कंप्लीट करने का चैलेंज हमें खत्म करना है चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं क्या पूरी थ्योरी खत्म करने का तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स स्पैम कर दीजिए चैट बॉक्स में दिल बना दीजिए चैट बॉक्स के अंदर और कल बच्चों हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कई बच्चे यहां पे पूछेंगे कि सर पहला चैप्टर आपने रोटेशनल मोशन बोला था तो रोटेशनल मोशन नहीं करा रहे क्या तो रोटेशनल मोशन मैंने सेकेंड चैप्टर कर दिया पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेते हैं इस वीकली चैलेंज में और सेकेंड चैप्टर अपना बेटा रोटेशनल मोशन रहेगा कोई बात नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत और रोटेशनल मोशन अपना सेकेंड चैप्टर कर लेंगे ठीक है फटाफट फड़ बताइए आवाज क्लियर आ रही है ना दिखाई दे रहा हूं सुनाई दे रहा हूं सब बढ़िया चल रहा है क्या बच्चों एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन यस चलिए बहुत बढ़िया सब बढ़िया चल रहा है मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज वर्किंग ग्रेट है ना आइए बच्चों तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं इस अमेजिंग से चैप्टर को जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दो क्वेश्चन यहां से पक्का है कि दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके नीट एग्जाम में ठीक है तो बहुत तरीके से पढ़ेंगे और कल उतने ही तरीके से इसके प्रैक्टिस करेंगे सौ क्वेश्चन हम लोग कल इसके सॉल्व करने वाले हैं अभी सात बजे वाला मैंने प्लान शुरू नहीं किया है बट बहुत जल्दी वी विल स्टार्ट दैट एज वेल कि सात बजे थ्योरी वाला सेशन और फिर उसी दिन तीन बजे प्रैक्टिस वाला सेशन बट फिलहाल के लिए आज तीन बजे प्रैक्टिस थ्योरी है और कल तीन बजे इसकी प्रैक्टिस होने वाली है ठीक है चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत कहां से होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी की शुरुआत होती है कुलॉम्स लॉ के साथ है ना कुल्स लॉ क्या कहता है बच्चे बच्चे को पता है घर घर में बच्चा बच्चा जानता है कि कोलॉम्स लॉ क्या होता है क्या होता है भाई कोलोम्स लॉ अगर दो चार्जेस हैं यहाँ पे टिपिक और यहां पे टुपुक है ना तो यहां पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है टपक और टुपुक नाम है इनका ठीक है तो इनके बीच में फोर्स लगता है

और ये फोर्स कितना होता है बच्चों ये फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू डिड बाई आर स्कवायर है यह सब बच्चे जानते हैं के क्यू वन क्यू टू डिड बाई आर स्क हमें तो ये सीखना है कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए वी विल सी दैट वेरी सून ठीक है अभी देखेंगे हम के की वैल्यू कितनी बेटा तो के की वैल्यू है नाइन इंटू टेन की पावर ऑफ नाइन है ना नाइन मल्टीप्लाइड बाई

तो डिस्टेंस स्क्वायर तो आप देखेंगे का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर यहां तो एकदम क्लियर है, के Q1, Q2 R square, है ना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगता है सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं इसको दो चार्जेस को जो ज्वाइन कराने वाली लाइन है उसी के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है अब इस फोर्स को लिखने का एक और तरीका है वो क्या तरीका है सर तो वो ये है वन अपॉन फोर पाई एपसाइल नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो ये वन अपॉन फोर पाई नॉट के को लिखा गया है ना के को लिखा गया है वन अपॉन फोर पाई एपसाइल नॉट वॉट इज एपसाइल नॉट बिटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एपसाइलेंट नॉट क्या है भाई परमिटिविटी परमिटिविटी है ना ऑफ फ्री स्पेस फ्री स्पेस की परमिटिविटी है बेटा ये ठीक है इसकी यूनिट कितनी होती है तो एपसाइलेंट नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 पॉइंट एट की पावर में माइनस ट्वेल्व यूनिट कौन बताएगा यूनिट यूनिट के का जस्ट उल्टा क्योंकि देखो के था न्यूमिनेटर में है ना एबसाइलेंट नॉट आता है बेटा डिनोमिनेटर में फोर पाई की तो कोई यूनिट है नहीं एबसाइलेंट नॉट की यूनिट हो जाएगी के के यूनिट के जस्ट ऑपोजिट यानी कि एपसाइलन नॉट की यूनिट हो जाएगी कोलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर जस्ट उल्टा इसका जस्ट उल्टा कर दो आप है ना क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और के जो था वो न्यूमिनेटर में था तो बस के का जो भी यूनिट अपना आया है उसको अपन उल्टा कर देंगे तो कोलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा दिस इज द यूनिट ऑफ एपसाइलन नॉट ठीक है बेटा तो ये है कोलोम लॉ कोलोम लॉ डन एंड डस्टेड लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है क्वेश्चन करना है है ना

तो मान लो कोई और मीडियम अगर हुआ तो मान लो यहां पे आपका Q1 वन यहां पर आपका Q2 इनके बीच की दूरी बच्चों r लेकिन यहां का मीडियम कोई और है मान लो जल है जल है ना जल से पतला कौन है कौन पृथ्वी से भारी कोई नहीं है है ना तो ये जल ठीक है अगर मीडियम ले लिया कोई और आपने तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है देखिए तो ये फॉर्मूला बन जाता है F बराबर फोर पाई एपसाइलन नॉट एपसाइल नॉट के साथ एक चीज और आ जा जाती है बेटा बाकी सब सेम रहता है क्यू वन क्यू टू साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है एपसाइलन आर मल्टीप्लाई हो जाता है इस एपसाइल आर का मतलब क्या है यह है रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी है यह रिलेटिव परमिटी विटी है ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसका एक और नाम है भाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या नाम है भाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 तो सोचो बेटा कोई भी मीडियम होगा एपसाइल आर अगर ग्रेटर देन है तो बताओ फोर्स में कमी आएगी या फोर्स बढ़ जाएगा फोर्स कम हो हो जाएगा, जाएगा? अरे सीरी एक्टिवेट गई सोचो ना ग्रेटर देन है जो कि डिनोमिनेटर में है तो किसी मीडियम के आ जाने से फोर्स कम हो जाता है क्योंकि एपसाइलेंट आर हमेशा ग्रेटर देन वन है तो फोर्स विल डिक्रीज है ना फोर्स विल डिक्रीज तो याद रखिए किसी मीडियम के आ जाने से फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज हो जाता है वाटर के लिए बेटा इसकी वैल्यू वैल्यून आर की वैल्यू एटी वन होती है एटी वन फॉर वाटर। तो बताइए तो कितने टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा अगर वाटर में रख दिया जाए दो चार्ज को कितने टाइम्स कम हो जाएगा एटी वन टाइम्स है ना यहाँ पे एटी वन आ जाएगा तो फोर्स विल डिक्रीज बाई एटी वन टाइम्स वंस यू टेक वाटर एज द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस है ना दो चार्जेस के बीच में अगर वाटर ले लिया जाए तो वहां पे आपका फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाता है डन बेटा यहां तक डन एंड डस्टेड है कोई इशू नहीं है चलो दिल बना दो एक बार जल्दी से फटाफट -फड़ एक बार दिल बना दो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में कोलॉम्स लॉ ठीक है देखो ये क्या होता है कोलॉम्स लॉ स्केलर फॉर्म में तो ये होता है कि क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है ना वेक्टर फॉर्म में ये ऐसा लिखा जाता है एफ वेक्टर बराबर के क्यू वन क्यू टू यहां पर आ जाता है बेटा आर वेक्टर ऊपर क्या आ जाता है बच्चों आर वेक्टर और नीचे आ जाता है बच्चों आर वेक्टर के मैग्नेट्यूड का क्यूब इसमें नीचे क्यूब आ जाता है वेक्टर फॉर्म में ठीक है वेक्टर फॉर्म में ये स्केलर फॉर्म है जो आप देख रहे हैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ये स्केलर फॉर्म है वेक्टर फॉर्म क्या है के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्निट्यूड का क्यूब कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं देखिए मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन करके बताता हूं देखिए कैसा क्वेश्चन इसमें बनता है आई विल लेट यू नो देखो बेटा तो ऐसा बोला जाएगा कि मान लो एक चार्ज यहां पे है दो कोलॉम का ठीक है दो कोलॉम का है और एक चार्ज यहां पे है चार कोलॉम का ठीक है बेटा अब मान लो ऐसा बोला गया कि जो दो कुलॉम वाला चार्ज है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वन कॉमा टू कॉमा थ्री ठीक है या चलो खाली एक्स और वाई में ले लेते हैं जेड में नहीं लेते वन कॉमा टू लेते हैं ठीक है वन कॉमा टू इज यू नो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ठीक है कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टू कुल ठीक है फोर कुल का जो है वो है फोर कॉमा फाइव फोर कॉमा सिक्स ले लो चलो फोर कॉमा सिक्स ले लो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया ठीक है फोर कॉमस सिक्स इसका कोऑर्डिनेट हो गया अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ वट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म फोर्स ऑन फोर कोलॉम चार्ज ऐसा बोल देगा चार कोलॉम पे फोर्स निकालो तो देखो बेटा आप क्या करोगे सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे टू कोलॉम वाले का कितना आएगा पता है वन आई कैप प्लस टू जे कैप देख रहे हैं ना एक्स में वन है वाई में टू है तो जो पहला पोजीशन वेक्टर आएगा आर वन वेक्टर वो हो जाएगा वन आई कैप प्लस टू जे कैप फिर आप लिखेंगे इसका पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं पता है ना बेटा आई कैप जे कैप दट इट है ना तो ये हो जाएगा फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप तो आर टू बराबर फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप तो ये हो गया दोनों का पोजीशन वेक्टर वन आई कैप प्लस टू जे कैप इसका हो गया फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप है ना ये आपने लिख दिया बेटा पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद अब आपसे पूछा गया है कि फोर पे कितना फोर्स लग रहा है तो बेटा अब आपको क्या करना पड़ेगा ना ये वेक्टर निकालना पड़ेगा फोर पे कितना लग रहा है फोर पे कितना लग रहा है तो फोर पे कितना लग रहा है निकलता है आर टू माइनस आर वन करके ये आपका आर टू है, है ना और ये आपका आर वन है यानी कि फोर वाला आर वन यानी कि टू वाले का तो आर टू माइनस आर वन करोगे तो ये आर वेक्टर निकल जाएगा तो करो आर टू माइनस आर वन R1 बेटा वेक्टर, वेक्टर वेक्टर तो फोर आई माइनस आई कितना हो जाएगा थ्री आई प्लस सिक्स जे माइनस टू जे कितना हो जाएगा फोर जे सबको घटाना आया क्या भाई फोर माइनस वन थ्री हो गया है ना और सिक्स माइनस टू फोर हो गया अब बेटा यही है हमारा आर वेक्टर यही है हमारा आर वेक्टर इसका मैग्निट्यूड कितना होगा बच्चों इस R का मैग्निट्यूड मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा क्योंकि नीचे मैग्नीट्यूट लिखना है ना तो मैग्निट्यूड कितना हो जाएगा ये थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अंडर रूट में ऐसे निकालते हैं क्या मैग्नीट्यूड मैग्निट्यूड ऐसे निकालते हैं क्या थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर यस yes. तो मैग्निट्यूड आएगा फाइव के बराबर है ना मैग्निट्यूड आ जाएगा आपका फाइव के बराबर अब क्या करना है भाई फोर्स लिख देना है काम खत्म ठीक है तो देखो मैं आपको फोर्स लिख के बताता हूं तो फोर्स हो जाएगा बच्चों के यानी कि पावर नाइन इन टू क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू कितना हो जाएगा बेटा दो और चार चार दुनिया आठ तो ये आ जाएगा एट के बराबर इन आर वेक्टर कितना है तो आर वेक्टर है थ्री आई प्लस फोर जे ये हो गया आपका आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा फाइव के बराबर तो ये 5 का क्यूब बस ये है आपका आंसर थोड़ा लंबा हो गया क्या नहीं ना चलेगा ना तो नीचे आ जाएगा फाइव का क्यूब है ना फाइव इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब कर देंगे और अपना काम खत्म तो ये हो गया के ये हो गया क्यू वन क्यू टू हो गया आर वेक्टर और ये हो गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का हो गया क्यूब ठीक है बच्चों कैलकुलेट वैलकुलेट आप करते रहना बाद में बट ये आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में आंसर आया इसका मतलब वेक्टर फॉर्मेट में आंसर आया और यही काम करता है ये वेक्टर लॉ ठीक है ठीक है बेटा चलो फटाफट -फड़ दिल बना दो आगे बढ़ते हैं आ जाओ फटाफट -फड़ दिल बना दो आगे बढ़ते हैं आ जाओ आगे बेटा ऐसे क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे कैसे क्वेश्चंस सर देखो ऐसा बोलेगा अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताओ बच्चों सभी को ये बात पता है कि नहीं पता चेक कर लेते ठीक है बताओ तो अगर ऐसे दो फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड के एक्ट करते हैं नाइन्टी डिग्री पे तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों वट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस 90 डिग्री पे अगर एक्ट करते हैं ना तो रिजल्टेंट होता है बच्चों रूट टू एफ रूट टू मल्टीप्लाइड बाई एफ रूट टू मल्टीप्लाइड बाई एफ किधर लगेगा रिजल्टेंट तो दोनों के बीच से होके जाएगा ऐसे दोनों के एकदम बीच से होके जाएगा है ना बीचो बीच रूट टू इंटू एफ ये वेक्टर है बेसिक ऑफ वेक्टर सिखा रहा हूं अच्छा ये अगर आपको आता है तो ये बताइए अगर 60 डिग्री का एंगल हुआ तो मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है इधर भी एफ है इधर भी एफ है अब क्या होगा बच्चों ये आंसर रिजल्टेंट का आंसर अब कितना हो जाएगा बच्चों तो अब रिजल्टेंट हो जाएगा रूट थ्री इंटू एफ रूट थ्री इंटू एफ अगर किसी को जानना है कि ऐसा कैसे होता है तो बेटा सालों पहले आपको पढ़ाया गया होगा रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा है ना तो इसी में रख देना है कुछ नहीं करना पी के जगह पे भी आप एफ रख दो क्यू के जगह पे भी आप एफ रख दो तो यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर और कॉस का आ जाएगा बेटा सिक्सटी डिग्री है ना कॉस हो जाएगा सिक्सटी डिग्री अब बताइए कितना होता है बच्चों कितना होता है तो आप सीधा वहां पे वन बाई टू लिख सकते हैं टू और टू जो है आपका कैंसिल हो गया देख लो आर स्क्वायर बराबर थ्री एफ स्क्वायर और जब आप रूट ले लोगे तो आर बराबर रूट थ्री इंटू एफ आ जाएगा तो ये वेक्टर है वेक्टर का जो एडिशन वाला फॉर्मुला होता है लॉ उसकी बात कर रहा हूं मैं है ना बस वही आपको लगाना है और आंसर पाना है ठीक है तो रूट थ्री एफ आंसर होता है जब 60 डिग्री एंगल हो दो वेक्टर्स के बीच में और दोनों वेक्टर्स बराबर हो तो बीच से ऐसे गुजरता है अपना रिजल्टेंट है ना सेंटर से बाइसेक्ट करता हुआ क्योंकि ये भी बराबर है ये भी बराबर है, है ना अच्छा लास्ट बताओ बच्चों अगर यही एंगल 120 डिग्री हो जाए ये एफ है ये एफ है और ये अगर 120 डिग्री है तो बीच से रिजल्टेंट गुजरेगा रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी एफ के बराबर रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी एफ के बराबर जितना एफ है ये एफ जितना है ये एफ जितना है उतना ही अपना रिजल्टेंट भी हो जाता है ठीक है तो ये तीन चीजें अपने को याद रखनी है कि नाइनटी डिग्री पे रूट टू एफ सिक्सटी डिग्री पे रूट थ्री एफ है ना और वन ट्वेंटी डिग्री पे एफ जितना एफ है उतना ही रह जाता है तो ये तीन चीजें अपने को बेटा याद रखनी है ठीक है ना ये तीन चीजें अपने को याद रखनी है अब इन तीन चीजों के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं बोलेंगे कि यहां पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है यहां पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है यहां पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है ठीक है क्यों रखा हुआ है ये नहीं कह रहा मैं कि क्यों रखा हुआ है चार्ज है ना वाई क्यू मतलब क्यू रखा हुआ है ना क्यों रखा हुआ नहीं वो हाँ साइड्स इनकी ए के बराबर ले लेते हैं ए ए ले लेते हैं तीनों की साइड्स है ना तो ए हो गया बेटा साइड्स तीनों का ठीक है बहुत बढ़िया सर अब आपसे पूछा जा रहा है कि, कि किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालिए किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालिए नेट फोर्स कैलकुलेट करिए कितना नेट फोर्स लगेगा वो बताइए तो देखिए बेटा कैसे होगा ये Q इस Q को रिपेल करेगा है ना रिपल्शन होगा तो ऐसे फोर्स लगेगा ऐसे रिपल्शन रिपल्शन होगा बेटा ऐसे कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इतना होगा रिपल्शन है ना के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इतना हो जाएगा रिपल्शन अभी ये क्यू भी चुप थोड़ी ना बैठेगा ये भी इसको रिपल करेगा है कि नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल तो ये रिपल्शन इधर हो जाएगा ऐसे और ऐसे कितना रिपल्शन होगा तो ये वाला भी हो जाएगा के क्यू बेटा सोच के देखो इनके बीच में कितना एंगल है भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो यह सिक्सटी डिग्री होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो यह सिक्सटी डिग्री होगा और अगर ये सिक्सटी है तो ये भी सिक्सटी डिग्री होगा तो आपके पास दो फोर्सेस आ गए जो दोनों सिक्सटी डिग्री में एक्ट कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना टाइम्स ऑफ़ द फोर्स अभी बताया था अगर दो फोर्स में लग रहे हैं तो रिजल्ट है दिल बना दो फटाफट बेटा अगर क्लियर हो गया एकदम अच्छे से अब आपसे एक सवाल पूछता हूं इसका आंसर आप मुझे बताइए ठीक है यहां पे q है यहां पे माइनस क्यू है यहां पे Q है ठीक है बेटा यहां पे Q यहां पे माइनस क्यू यहां पे Q अब आपको बताना है ऊपर वाले Q पे नेट फोर्स कितना नेट ऊपर वाले ऊपर वाले चार्ज पे कितना ऊपर वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना ये बताना है आपको है ना चलो लग जाओ काम पे, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको है ना ऑप्शन ए के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऑप्शन बी अगेन रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर या फिर ऑप्शन सी रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज क्या आ रहा है ए बी सी या डी क्या आ रहा है क्या आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है ए आ रहा है अरे बहुत बढ़िया किसी का बी आ रहा है कुछ बच्चों का बी आ रहा है बट ज्यादातर बच्चों का ए आ रहा है कितना एंगल बन रहा है दो फोर्सेस के बीच में 120 डिग्री देखो कैसे यहां पे 120 डिग्री वाला केस लगेगा बेटा देखो कैसे मैं बताता हूं आपको ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा राइट यानी कि फोर्स इधर बिल्कुल सही पकड़े अगर आपने 120 डिग्री पकड़ा है तो फोर्स की वैल्यू कितनी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए इज द दूरी है ना ए इज द दूरी इस Q ने उस Q को रिपेल किया लेकिन ये वाला Q उस Q को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट मतलब इधर सही है बेटा अट्रैक्ट मतलब इधर ऐसे है ना और इसकी भी वैल्यू उतनी हो जाएगी कि क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अब बताओ ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल ये वाला एंगल कितना है 120 है वो क्योंकि देखो ना ये वाला 60 है टोटल देखो ये वाला 180 होगा यहां से लेके यहां तक 180 होगा है ना दिस इज 180 वन एटी में से आप सिक्सटी निकाल दो तो ये जो बचा बचा है वन ट्वेंटी डिग्री और वन ट्वेंटी डिग्री पे जब दो फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड के एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट एफ के बराबर हो जाता है यानी कि जितना उनका मैग्नीट्यूड है उसी के बराबर और इधर आएगा ये ऐसे बीच से गुजरता हुआ रिजल्टेंट आएगा है ना तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जिन लोगों ने सही आंसर दिया गुड जॉब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्राउड ऑफ यू गुड जॉब बेटा तो ऐसे करना था ठीक है तो आपको मैंने 60 डिग्री वाला केस यहां पे करा दिया ठीक है बहुत बढ़िया 120 डिग्री वाला केस यहां पे करा दिया अब एक 90 डिग्री वाला केस बचता है जो अपन यहां पे करेंगे ठीक है 90 डिग्री वाला केस बनता है बच्चों जब बनाते हैं हम लोग एक स्क्वायर क्या बनाते हैं एक स्क्वायर देखो ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है एक बना लो बेटा आप स्क्वायर ये रेक्टैंगल बन गया गलती से अब बन गया स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर जैसा लग तो रहा है है ना चलो स्क्वायर पे बेटा एक चार्ज यहां पे है एक चार्ज यहां पे है एक चार्ज यहां पे है एक चार्ज यहां, यहां पे है अब सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालो ठीक है किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालो वही सवाल है अपना जो पहले था तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा सीरी एक्टिवेट हो गया था फिर से ये सीरी ना बात बात में एक्टिवेट हो जाता है एक तो मेरे मेरे आईपैड में सीरी नहीं है सीरा है मतलब मेल वॉइस आती है फीमेल वॉइस नहीं आती वो दुख अलग है मेरे जीवन में मेल वॉइस मेरे साथ ही क्यों भाई ऐसा कहीं सेटिंग होती होगी पक्का है ना सीरी का वॉइस सेट का सेट करने का आज ही उसको फीमेल में चेंज करूंगा मैं मेल की आवाज के अच्छा नहीं लगता है ना थोड़ा सीरी सीधी होनी चाहिए सीरा थोड़ा ना होना चाहिए और एक्टिवेट कभी भी मत हुआ करो बेटा तुम कभी भी एक्टिवेट हो जाते हो पढ़ाते समय बीच में एक्टिवेट हो जाते हो चलो बच्चों आ जाओ किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, है ना देखो मान लो इसको पकड़ लेते हैं इस पे अपन नेट फोर्स निकालेंगे ठीक है ना तो उससे जाके पूछते हैं कि बताओ भाई तुम पे और कौन कौन फोर्स लगा रहा है कौन कौन है जो तुम पे फोर्स लगा रहा है तो ये क्या बोलेगा ये बोलेगा सर देखो ये नीचे वाला जो चार्ज है ना ये मुझे रिपेल कर रहा है तो रिपल्शन इधर हो जाएगा ऐसे है ना इसको बोल देते हैं अपन बेटा एफ वन एफ वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए इज द साइड है ना ए इज द साइड ए इज द साइड बेटा तो ये नीचे वाला उस पर रिपल्शन लगाएगा एफ वन ठीक है बहुत बढ़िया उसके अलावा ये जो चार्ज है इस कॉर्नर पे ये वाला ये भी इसको रिपेल करेगा क्या बिल्कुल करेगा तो ये लगाएगा बेटा एफ टू ये देखो इस तरफ इस तरफ आ जाएगा आपका एफ टू और एफ टू भी इतना ही होगा देख लो आप एफ टू भी उतना ही होगा बेटा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर सेम है ना तो इसने उसको रिपेल किया और इसने भी इसको रिपेल किया दो हो गए अब आपको लगता है दो ही तो होंगे तीसरा भी होगा ये भी रिपल करेगा यहां पे लाइन ड्रॉ नहीं है तो क्या हुआ चार्ज तो है तो ये भी इसको रिपल करेगा है ना इसी वजह से तो आप सिंगल हैं आज तक आप जहां जहां लाइन ड्रॉ हुई है बस वहीं पे ट्राई मारते हैं यहां ट्राई मारते हैं यहां ट्राई मारते हैं इसको भूल जाते हैं यहां भी सेटिंग हो सकती है, है ना बेटा यस तो ये इसको रिपेल करेगा और रिपल्शन कैसे होगा देखो रिपल्शन होगा बेटा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग यू और इधर से ऐसे यू इसको बोल लो आप एफ थ्री अच्छा एफ वन एफ टू तो आपस में बराबर है बच्चों है ना के स्क्वायर है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है लेकिन ये जो डायगोनल वाला फोर्स है वो भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा क्या नहीं वो होगा के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए का स्क्वायर समझ आता है डायगनल की लेंथ समझ आती है बेटा डायगनल की लेंथ कितनी होती है रूट टू इन ए इसीलिए जो फोर्स होगा उसमें नीचे रूट टू ए का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो दैट विड गिव यू के एफ थ्री ये है बच्चों एफ थ्री अब आप देखेंगे ना तो तीन टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं एफ वन ऊपर एफ टू लेफ्ट की तरफ और एफ थ्री डायगनल में डायगनल में मतलब फोर्टी फाइव डिग्री पे है ना बेटा एफ थ्री कहां लग रहा है फोर्टी फाइव डिग्री पे अब इसको सॉल्व करने का वेक्टर को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका बताता हूं ये जो एफ वन है ऊपर और ये जो एफ टू है राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ उनका रिजल्टेंट निकाल लो एफ वन ऐसे लग रहा है एफ थ्री ऐसे लग रहा है ना इनका रिजल्टेंट निकाल लो कितना हो जाएगा बताओ तो बेटा रिजल्टेंट रूट टू टाइम्स द फोर्स क्योंकि नाइन्टी डिग्री में है दोनों है ना दोनों नाइन्टी डिग्री पे हैं और दोनों बराबर हैं तो रूट टू टाइम्स हो जाएगा तो सोचो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ इधर एफ वन इधर एफ टू इनका रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा रूट टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और उसी डायरेक्शन में एफ थ्री भी है क्या बच्चों ये रिजल्टेंट फोर्टी फाइव में आएगा और एफ थ्री भी देखा जाए तो सेम डायरेक्शन में है तो एफ़ थ्री को भी पकड़ के उसी में जोड़ना पड़ेगा जो रिजल्टेंट आया है उसी डायरेक्शन में एफ थ्री भी है देख रहे हैं ना आप लोग एफ थ्री भी उसी डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट आया है वो आया है रूट टू के क्यू ए इसी में आप F3 को भी जोड़ दोगे यानी कि भी इसी में जोड़ दोगे आप है ना तो सोचो के क्यू स्क्एगा रूट टू प्लस वन बाई टू अंदर बच जाएगा ये आपका आंसर है तो ये लास्ट वाला पार्ट समझ में आया सभी को कुछ नहीं करना है

थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी चल रही है है ना डन है और कल तो प्रैक्टिस सेशन है ही अपना ठीक है हंड्रेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो तैयार रहिएगा उसके लिए बच्चों है ना सौ क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा उसमें पीवाई भी होंगे कुछ पीवाई नहीं भी होंगे बट बहुत सारे पीवाई भी होंगे ठीक तो है तो मिक्स ऑफ क्वेश्चन रहेगा बड़ा मजा आएगा आपको सॉल्व करने में उसको चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट केस है बच्चों चार्ज्ड पेंडुलम केस इसमें ना बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको टेन थीटा बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन एम जी टेन थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई एम जी एम जी क्या है बेटा वेट ऑफ द पेंडुलम तो होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं एक बार जल्दी से है ना देखो ऐसे पेंडुलम्स होते हैं ठीक है ठीके? तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा बच्चों तो मास नीचे लगेगा एम मास जो है वो नीचे लगेगा एम कुछ ना कुछ चार्ज होगा इस पर चार्ज होगा मान लो क्यू इस पे चार्ज होगा मान लो क्यू तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे बच्चों रिपल्शन की वजह से ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा ठीक है यहां पे आता है आपका टेंशन टी यहां पे आता है आपका टेंशन यानी कि टी अब ये सॉल्व कैसे होता है थोड़ा सा सुन लो एक बार है ना एंगल है बच्चों थीटा तो यह एंगल भी हो जाएगा थीटा यानी कि टेंशन जो वर्टिकल के साथ लग रहा है ना वो थीटा पे लग रहा है टेंशन टेंशन वर्टिकल थीटा तो टेंशन के दो कॉम्पोनेट आ जाते हैं यहां पर एक कंपोनेंट आ जाता है ऊपर की तरफ दैट इज कॉल्ड टी कॉस थीटा एक कंपोनेंट इधर आ जाता है दैट इज कॉल्ड टी साइन थीटा टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करता है, है ना टी कॉस थीटा एम को बैलेंस करता है और टी साइन थीटा एफ को बैलेंस करता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो टी साइन थीटा बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दोनों को जब आपस में डिवाइड किया गया तो टेंशन टेंशन निकल लिया मिलता है टैन थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी ये अपना आंसर आता है थीटा इज द एंगल फ्रॉम वर्टिकल कितने एंगल पे पेंडुलम्स हैं वो है आपका थीटा ठीक है चलो एक बात बताओ अगर मैं कहता हूं बच्चों कि एक पेंडुलम का केस गिवन है आपको ठीक है ये पेंडुलम का केस आपको गिवन है इसमें बोल रहा है कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एम दोनों बराबर हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एम दोनों बराबर हैं क्या आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा थीटा क्या बता सकते हो बच्चों ये एंगल कितना होगा थीटा कितना होगा टेन थीटा बराबर एक दूसरे के बराबर है बराबर है मतलब ये दोनों कैंसल होकर वन हो जाएगा तो टेन थीटा वन तो थीटा कितना फोर्टी फाइव डिग्री ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ठीक है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एम जी का रेशियो आपको रहेगा और आपसे एंगल पूछ लेगा कि कितना एंगल है तो बता लोगे है ना हो जाएगा डन एंड डस्टेड इस पर बढ़िया सा पीवाई क्यू भी है जो मैं आपको कल के सेशन में सॉल्व भी करवाऊंगा ठीक है ना वी विल डू दैट कल के सेशन में आना है आपको पीवाई क्यू हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स का एक बढ़िया सा शॉर्टकट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा नीट में आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या होता है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम देखो ये कहता है कि मान लो यहां पे एक चार्ज है फोर क्यू डुग 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 एल दूरी पे एक चार्ज है क्यू ठीक है यहां पे चार्ज है फोर क्यू यहां पे चार्ज है क्यू पूछते हैं आपसे कि बताइए फोर क्यू से कितनी दूरी पे एक तीसरे चार्ज को रखा जाए तीसरे चार्ज को रखा जाए ताकि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पे हो थर्ड चार्ज कहां पे रखा जाए थर्ड चार्ज कहां पे रखा जाए सो दैट थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम तो इसका करने का तरीका देखो बहुत सिंपल है तरीका क्या है फोर क्यू जितना फोर्स लगाएगा इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा क्यू इस पे तो इक्विलिब्रियम होगा है ना फोर क्यू ने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स क्यू ने भी लगाया स्मॉल क्यू ने भी लगाया फोर क्यू इसको इधर पुश कर रहा है 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 ना उसको कर रहा है. तो एक तरीका तो ये है करने का तो देखिए मैं आपको समझाता हूं पहला तरीका पहला तरीका ये है बेटा कि फोर क्यू ने क्यू पे कितना फोर्स लगाया वो लिख लो पहले आप तो फोर क्यू ने लगाया के फोर क्यू इंटू क्यू डिडेड बाई एक्स स्क्वायर इतना ही लगाया ना फोर क्यू ने इस पे अब बताओ Q ने इस पर कितना लगाया Q ने तो Q ने लगाया के क्यू कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर बच्चों है ना अगर ये दूरी x है पूरी दूरी L है तो ये कितनी बचेगी L माइनस एक्स नहीं बच जाएगी यहाँ से यहाँ तक यह आपका L माइनस एक्स बच जाएगा इन दोनों को इक्वेट कर दो इन दोनों को पकड़ के आप इक्वेट कर दो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा तो देखो के और के कैंसिल हो रहा है क्यू और क्यू कैंसिल हो रहा है कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैंसिल हो रहा है फोर बाई एक्स स्क्वायर बराबर वन बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है बेटा दोनों तरफ रूट ले लोगे तो ये टू बाई एक्स बचेगा ये वन बाई एल माइनस एक्स बच जाएगा ठीक है तो आंसर आएगा 2l माइनस टू एक्स बराबर एक्स यानी कि टूवेल्व बराबर थ्री एक्स कि एक्स बराबर टूएल्व बाई थ्री टाइम लगा टाइम लगा लगा टाइम बिल्कुल लगा सर टाइम बचा सकते हैं क्या नीट में टाइम बहुत कम होता है सर बचा सकते हैं क्या बचा सकते हैं देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं डायरेक्ट फॉर्मला बताता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला सुनो रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू मल्टीप्लाइड बाई एल डायरेक्ट फॉर्मूला क्यू वन क्या है पहला चार्ज जहां से दूरी निकालनी है Q2 क्या है दूसरा चार्ज दूसरा वाला चार्ज रख के देखो तुरंत आंसर नहीं आया तो बोलना तुरंत आंसर आएगा बेटा बताओ रूट Q1 में कितना रख दू फोर क्यू फोर का रूट कितना हो जाएगा बच्चों टू अपॉन Q तो कैंसल हो जाएगा वैसे भी ऊपर नीचे से ना यहाँ पे रूट क्यू वन तो अगेन फोर का रूट कितना हो जाएगा टू और यहाँ पे रूट क्यू तो रूट हो जाएगा वन तो टू और एक थ्री ट्वेल्व बाई थ्री आंसर आ गया अपना चार सेकंड पांच सेकेंड नहीं लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यह वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है ना रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस बता ही दिया कि इसने कितना फोर्स लगाया इस पे बराबर उसने इस पे कितना फोर्स लगाया दोनों का फोर्स आप बैलेंस कर दो बैलेंस करने से आपका आंसर आ जाता है लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स है ना जबकि अगर आप इस फॉर्मले में डायरेक्ट डालते हैं तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है ट्वेल्व बाई थ्री चलिए एक क्वेश्चन देता हूं इसमें बताइए आंसर कितना आएगा ठीक है देखिए बेटा यहां पे नाइन क्यू है ठीक है और यहां पे फोर क्यू है इधर नाइन क्यू है इधर फोर क्यू है ठीक है ना इधर नाइन क्यू है इधर फोर क्यू है बताओ नाइन क्यू से वो दूरी कितनी है जहां पे तीसरे चार्ज को रखा जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाए नाइन क्यू से वो दूरी बताइए जहां तीसरे चार्ज को रखा जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाए अब पूरा करोगे तो टाइम लगेगा डायरेक्ट फॉर्मुला लगाओगे जल्दी हो जाएगा रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू मल्टीप्लाइड बाई एल है ना क्यू वन यानी कि जहां से दूरी लेनी है उसको क्यू वन बोलते हैं दूरी यहां से निकालनी है ना थ्री बाई फाइव आ रहा है अरे बहुत बढ़िया यार टाइम बच गया ना तुम्हारा ऊपर आ जाएगा रूट नाइन रूट नाइन यानी कि थ्री अपॉन फिर से यहाँ पे रूट नाइन यानी कि थ्री प्लस यहाँ पे रूट फोर रूट फोर यानी कि टू मल्टीप्लाइड बाई एल थ्री बाई फाइव एल अब तो दिल बना दो अब तो दिल बना दो टाइम बचा दिया नहीं बचा दिया तुम्हारा कहाँ करते रहोगे यार कि नाइन क्यू ने कितना फोर्स लगाया फोर क्यू ने कितना फोर्स लगाया हाँ कभी अटक गए तो कर सकते हैं वो भी करना आता है अपने को है ना बेसिक मेथड भी अपने को आता है ऐसा नहीं है नहीं आता बेसिक मेथड भी आता है लेकिन जब टाइम बच रहा है तो हम बचाएंगे है ना जल्दी से सॉल्व करेंगे फटाफट -फड़ आंसर आएगा रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस मल्टीप्लाइड बाई एल हो गया इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स डन एंड डेड चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है ना देखो यार जो जो क्वेश्चन हम लोगों ने फोर्स के लिए किया ना ट्राइंगल वाला रेक्टेंगल वाला वो सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हो सकता है, बस में खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज फोर्स को चार्ज से डिवाइड करना होता है या फिर चार्ज को वन मान लेना होता है ऐसा कह सकते हैं आप है ना चार्ज को या तो आप वन मान लीजिए ऐसा कह सकते हैं एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट चार्ज पे जैसे कि मैं आपको समझा दूं तो देखो मान लो यहां पे एक चार्ज है क्यू और यहां पे रखा है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ठीक है टेस्ट चार्ज है टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है टेस्ट चार्ज है ठीक है तो बताइए तो फोर्स कितना लिखेंगे आप फोर्स लिखेंगे आप के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर इज द दूरी ये तो फोर्स हो गया लेकिन इलेक्ट्रिक फील क्या लिखेंगे पता है? इलेक्ट्रिक फील हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू नॉट फोर्स बाय टेस्ट चार्ज तो क्यू नॉट को आप हटा देंगे क्यू नॉट को आप हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना यानी कि किसी चार्ज q की वजह से r दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बच्चों तो के क्यू बाई आर स्क्वायर सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर किसी चार्ज Q की वजह से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर ठीक है अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ बच्चों पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ माइनस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगी है ना प्लस से दूर जाती है ओरिजिनेट होती है माइनस में टर्मिनेट होती है माइनस हुआ तो चार्ज की तरफ प्लस हुआ तो चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा हूं मैं आपको है ना प्लस हुआ तो चार्ज से दूर माइनस हुआ तो चार्ज की तरफ ठीक है डन है डस्टेड है नो इश्यू एट ऑल चलिए बताइए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन सही है चार्जेस को देखिए और बताइए यहां पे प्लस क्यू है यहां पे माइनस क्यू है ठीक है इनमें से कौन सा डायरेक्शन सही है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का टूवर्ड्स ए एल इधर आएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टूअर्ड्स ए वाई इधर आएगा या फिर टूअर्ड्स ए एक्स इधर आएगा या फिर टूअर्ड्स ए जेड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी बताइए दो चार्जेस हैं बेटा बी और सॉरी हाँ क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी बी कह रहे हैं आप लोग है ना बी कह रहे हैं आप लोग ए वाई ए वाई ये वाला आंसर दे रहे हैं आप लोग है ना चलो देखते हैं आ जाओ आ जाओ जा। पूरा सॉल्व करके देता हूं आ जाओ देखो देखो समझो यहां पे क्यू था यहां पे माइनस क्यू था यही है ना अब देखो बेटा क्या होगा इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है राइट right? यहां पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड Q जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इस दिशा में अवे है ना दूर अपने आप से दूर तो Q जो है वो लगाएगा ऐसे दूर अपने आप से लेकिन ये माइनस क्यू जो है वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, है ना तो वो यहां पर लगाएगा अपनी तरफ इधर और दोनों बराबर होंगे क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर दोनों के लिए आर की वैल्यू सेम है है ना ये दूरी ए है ये भी दूरी ए है तो दोनों बराबर लगाएंगे तो ये भी ई लगाएगा ये भी ई लगाएगा अब इनके बीच का एंगल हो जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आएगा आएगा ना रिजल्टेंट ऐसा है ना बीच से गुजरता हुआ आएगा बेटा रिजल्टेंट तो ये ए वाई ही तो है डायरेक्शन ए वाई रिजल्टेंट इसका और इसका इस तरफ आएगा हॉरिजॉन्टल तो ए वाई इज द आंसर तुमने सही आंसर दिया था ना चलो दिल बना दो बच्चों आगे बढ़ते हैं सही आंसर दिया था तुम लोगों ने मैंने देखा यस डोंट वरी तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं लाइंस है ना दूर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं है ना नेगेटिव चार्ज के तरफ आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ठीक है प्रॉपर्टीज है कुछ लिखवा देता हूं लिख लो पहली प्रॉपर्टी है बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टैंजेंट डालेंगे ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे ठीक है इस पे मान लो आपने एक टैंजेंट डाला तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा टेंजेंट डालने से ठीक है टेंजेंट डालने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है यह पहली प्रॉपर्टी है बेटा दूसरी प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर नेवर इंटरसेक्ट ठीक है कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्यों नहीं करेंगी सर बताता हूं देखो मान लो एक ऐसी है एक ऐसी है ठीक है दो लाइंस आ गई अभी मैंने क्या बोला टेंजेंट डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है है ना तो पहला वाला बोलेगा कि मेरा टेंजेंट इधर है दूसरा वाला बोलेगा मेरा टेंजेंट इधर है दो डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकता ये वाला बोल रहा है मेरा इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बोल रहा है मेरा इधर है ऐसा नहीं हो सकता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ठीक है तीसरी प्रॉपर्टी है दे नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है क्लोज लूप में वर्क डन जीरो हो जाएगा है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप क्लोज लूप में क्या हो जाएगा वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है कंजर्वेटिव आपने सुना होगा ना एक पूरे सर्कल में घूम जाएंगे तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है ठीक है इसीलिए क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं चौथी प्रॉपर्टी है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज रहेंगी उतना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा और जितना दूर रहेंगी उतना मैग्नीट्यूड कम रहेगा तो देखिए यहां पे बहुत क्लोज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देखिए बेटा यहां पे बहुत क्लोज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज मोर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट्यूड इज हाई जबकि यहां पे आप देखेंगे तो ये दूर दूर है काफी एक दूसरे से है ना तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट्यूड इज लेस ये प्रॉपर्टी है जहां पास पास जहां पे डेंस है लाइंस जहां पे बहुत पास पास है एक दूसरे से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा जहां पे दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम रहेगा ठीक है चार हो गए पांचवी प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जितना बड़ा चार्ज ज्यादा जा, बड़ा चार्ज है ज्यादा लाइंस होंगी छोटा चार्ज है कम लाइंस होंगी जैसे मान लो टू कुल्ब है अगर यहां पे है ना टू कुल्ब है तो आप मान लो यहां से चार लाइनें दिखा रहे हो चार लाइनें दिखा रहे हो ठीक है तो अगर यहीं पे फोर कुल होता तो डबल चार्ज है है ना डबल चार्ज है तो लाइंस भी डबल हो जाएंगी चार की बजाय आठ लाइनें दिखानी पड़ेंगी आपको बेटा तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ समझ में आया जितना बड़ा चार्ज होगा नंबर ऑफ लाइन्स उतनी ही ज्यादा बनाई जाएंगी उस चार्ज के थ्रू ताकि देख के पता चल जाए कि बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं तो बड़ा चार्ज है कम लाइन्स निकल रही हैं छोटा चार्ज है ठीक है तो ये चार पांच प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है पहला टेंजेंट डालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दूसरा दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे से तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप क्लोज लूप में नहीं एग्जिस्ट करती हैं चौथा जहां पे लाइंस डेंस हैं वहां पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे डेंस नहीं है वहां पर कम है इलेक्ट्रिक फील्ड पांचवा नंबर ऑफ लाइन्स प्रपोर्शनल टू चार्ज है बड़ा चार्ज ज्यादा लाइंस, छोटा चार्ज कम लाइंस, ठीक है पांच इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई फटाफट दिल बनाओ एक क्वेश्चन करवाता हूं देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं है ना यहां पे एक चार्ज है बेटा और यहां पे एक चार्ज है ऐसे जाती है लाइंस, ठीक है ऐसे लाइंस जाती हुई दिखाई दे रही है इस वाले चार्ज से बाहर इस वाले चार्ज से लाइंस जो है वो बाहर निकल रही हैं ठीक है बाहर जबकि इस वाले पे अंदर जा रही हैं अगर ये क्यू वन है ये क्यू टू है आप बता सकते हो क्या Q1, Q2 में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है पॉजिटिव से लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव में लाइन अंदर जाती है तो बेटा आप शायद समझ गए होंगे कि Q1 वन यहाँ पे पॉजिटिव है है ना और Q2 टू यहाँ पे नेगेटिव है आई होप यू अंडरस्टूड दैट है ना Q1 वन पॉजिटिव है और Q2 टू नेगेटिव है आई होप यू अंडरस्टैंड दैट अच्छा अब बताइए कौन सा चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा है Q1 बड़ा है मैग्नीटीड में या Q2 बड़ा है मैग्नीट्यूड में तो जहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा हैं बहुत सारी हैं वो बड़ा होगा जहाँ पे लाइंस कम हैं वो छोटा होगा तो मैं लिख सकता हूँ क्यू का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन क्यू का मैग्नीट्यूड Q1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन क्यू टू का मैग्नीट्यूड है ना कितनी लाइंस है क्यू वन में तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट यहाँ पे एक्चुअली ट्वेल्व लाइंस है क्यू टू में कितनी लाइन्स है बेटा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लाइन्स हैं यहाँ पे तो जो रेशियो है Q1 वन और क्यू टू का ट्वेल्व इज टू सिक्स यानी कि टू इज टू वन Q1 is 2, Q2 कितना है 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 बेटा? क्योंकि इसमें, तो ना? बारह तो चार्ज भी जो है Q1 में डबल है एज कंपेयर टू Q2 Q1 हैज डबल द चार्ज एज कंपेयर टू Q1 Q2 तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं है ना ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है कई बार आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हो लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिटेल में इसका क्वेश्चन भी करवा रहा हूं मैं आपको तो यहाँ पे आप ऐसे देख के बता सकते हो कि भाई कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है और किस में चार्ज ज्यादा है और कितना ज्यादा है है ना वॉट इज द रेशियो क्यू वन इज टू क्यू टू का रेशियो आखिर कितना है वो सब आप बता सकते हो डन हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया अगला टॉपिक है बच्चा फॉर्मले फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास अलग अलग केसेस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ठीक है सबसे पहला है बच्चों इनफाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर इज टू के लैमडा बाई आर टू के लैमडा डिवाइडेड बाई आर होता है ठीक है तो ये फॉर्मूला आपने को याद रखना है बच्चों ऐसे इनफाइनाइट वायर रहेगा मान लो है ना ऐसे रहेगा इनफाइनाइट वायर यहां से दूरी मान लो आर गिवन है आपको लैमडा इज द चार्ज डेंसिटी ठीक है तो तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है कौन कौन सी होती है सर पहली होती है बेटा लैमडा लैमडा होता है चार्ज अपॉन लेंथ ये लीनियर केस में डिफाइन होता है लीनियर जैसे कि रॉड है है ना कोई रॉड है तो लैमडा डिफाइन करते हैं चार्ज अपॉन लेंथ दूसरा होता है बच्चों सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया जब कोई सरफेस एरिया वाला चीज होता है जैसे कि शीट हो गया तो हम लोग सिग्मा डिफाइन करते हैं ठीक है फिर होता है लास्ट रो रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम चार्ज अपॉन वॉल्यूम ये तब डिफाइन करते हैं जब कोई स्फीयर टाइप की चीज है कोई सॉलिड चीज है जिसके पास वॉल्यूम भी है है ना तो चार्ज अपॉन वी डिफाइन करते हैं तो रॉड में क्या डिफाइन होगा बेटा लैमडा चार्ज अपॉन लेंथ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है टू के लैमडा डिवाइडेड बाई आर टू के लैमडा डिवाइडेड बाई आर है ना चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं ठीक है मान लीजिए यहां पे एक रॉड है इनफाइनाइट रॉड प्लस लैमडा इसकी चार्ज डेंसिटी है ठीक है बेटा प्लस लैमडा इसकी चार्ज डेंसिटी है और यहां पे एक रॉड है इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस लैमडा इसकी चार्ज डेंसिटी है बच्चों माइनस लैमडा इन दोनों के सेंटर में यहां पे आर दूरी पे जो है सेंटर है दोनों साइड से आर दूरी है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू रॉड्स चलिए मैं आपको आंसर का uh, मतलब वो देता हूं ना पोल देता हूं ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी फोर के लैमडा बाई आर ऑप्शन सी के लैमडा बाई आर या ऑप्शन डी टू के लैमडा बाई आर बताइए जीरो कह रहे हैं आप लोग जीरो कह रहे हैं आप लोग जीरो अगर मैं कहूं कि गलत है तो कैसा लगेगा झटका लगेगा क्या शॉक लगा 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 शॉक लगा, शौक लगा. जीरो hmm? नहीं है आंसर जीरो नहीं है आंसर देखिए मैं बताता हूं जीरो नहीं है आंसर फंस गए ना थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं समझो 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 नमूनो समझो ये पॉजिटिव है चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर में क्रिएट करेगा अपने से दूर अवे है ना बेटा अपने से दूर यानी कि अवे क्रिएट करेगा लेकिन ये तो नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ क्रिएट करेगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा क्या बताओ सेम डायरेक्शन में आ रहा है फिर से सुनो फिर से सुनो फिर से सुनो ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे दूर क्रिएट करेगा यानी कि राइट की तरफ और ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा उसको है ना अपनी तरफ खींचेगा बेटा तो दोनों सेम डायरेक्शन में है एड हो जाएंगे तो पहले वाले का भी टू के लैमडा बाई आर और प्लस दूसरे वाले का भी टू के लैमडा बाई आर एड हो जाएगा बेटे है ना और एड होने की वजह से आंसर आ जाएगा फोर के लैमडा बाई आर अगर ये आपने सोच लिया था तो बहुत बढ़िया है नहीं सोच पाए थे तो कोई बात नहीं जीरो कब होता पता है अगर मैं कहता कि ये भी प्लस लैमडा है और मैं कहता कि ये भी प्लस लैमडा है दोनों के दोनों प्लस लैमडा है अब बताओ सेंटर पे कितना होगा अब ज़ीरो होता कैसे तो ये प्लस रिपेल करता रिपेल करता तो इधर लगाता तो ये प्लस भी रिपेल करता रिपेल करता तो मतलब उधर लगाता उल्टा अब आंसर ज़ीरो आएगा सोच के देखो अब आंसर ज़ीरो आएगा है ना जब दोनों में सेम है इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो आपका आंसर अब ज़ीरो आ जाएगा दोनों के दोनों रिपेल करेंगे उस पॉइंट को है ना तो एक लेफ्ट की तरफ लगाएगा और एक राइट की तरफ लगाएगा तो कृपया ऐसी गलतियां दोबारा ना करें ठीक है ये वाला केस क्लासिक केस है जहां पे गलती होती है आप कृपया ये गलती दोबारा ना करें बेटा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं एक्सिस पे अगर रॉड के एक्सिस पे निकालना हो अभी तक तो हम ऐसे निकाल रहे थे ना कि रॉड ऐसे है तो यहां पे दूर में निकाल रहे थे इधर अभी इसकी एक्सिस पे अगर निकालना है एक्सिस पे तो एक्सिस पे वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आता है नीट में बट फिर भी याद रख लो के क्यू अपॉन आर आर प्लस एल आर है रॉड से दूरी एल है रॉड का लेंथ ठीक है आर है रॉड से कितने दूर पे निकालना है और एल है लेंथ ऑफ द रॉड कितना है तो के क्यू आर डायरेक्ट फॉर्मुला याद रखेंगे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए नहीं देखा गया है वैसे तो नेग्लेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं बट यस फिर भी आप चाहो तो इसको याद कर लोन आर आर प्लस एल ठीक है चलिए अब किसी ने उस रॉड को मेरे जैसे बहुत तेजस्वी इंसान ने बहुत पावरफुल इंसान ने लोहे के रॉड को ऐसे मोड़ दिया है ना सर्कुलर आर्क के फॉर्म में मोड़ दिया तो बेटा सर्कुलर आर्क के फॉर्म में अगर आप इसको मोड़ देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है टू के लैमडा बाई आर साइन फाइव बाई टू डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ये देखिए ये आर्क हो गया वाओ मस्त सर्कल बना दिया मैंने ये इनके बीच का एंगल हो गया फाइव ठीक है आर हो गया रेडियस लैमडा हो गया बेटा चार्ज डेंसिटी तो फॉर्मूला क्या है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील है टू के लैमडा बाई आर साइन फाइव बाई टू और एक बात और मैं आपको बता दूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाइसेक्टिंग द एंगल जो भी यहां पे एंगल बन रहा है बेटा जो भी एंगल यहां पे बन रहा है उसको बाइसेक्ट करते हुए उसके बीचों बीच से ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है बाइसेक्टिंग द एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बाइसेक्टिंग द एंगल टू के रैमडा बाई आर साइन फाइव बाई टू टू के रैमडा बाई आर साइन फाइव बाई टू ठीक है मान लो पूरा का पूरा सेमी सर्कल है सेमी सर्कल है है ना तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा है ना तो देखो इलेक्ट्री फील कितनी हो जाएगी टू के लैमडा बाई आर साइन फाइव बाई टू यानी कि साइन 180 एटी बाई टू साइन वन एटी बाई टू और साइन वन एटी बाई टू कितना हो जाता है साइन नाइनटी साइन नाइनटी कितना होता है वन तो यह पूरा हो गया वन आंसर आ जाएगा टू के लैमडा बाई आर सेमी सर्कल ठीक है सेमी सर्कल टू के लैमडा बाई आर क्वार्टर सर्कल ले लो ये देखो ये देखो क्वार्टर सर्कल ले लो आप तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री ठीक है ना 90 डिग्री अब क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील टू के लैमडा बाई आर साइन नाइनटी बाई टू है ना बच्चों साइन नाइनटी बाई टू मतलब कितना साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव मतलब कितना वन बाई रूट टू ये कितना हो जाएगा वन बाई रूट टू साइन फोर्टी फाइव है ना साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू तो आंसर विल बी टू के लैमडा बाई आर वन बाई रूट टू इसको रीअरेंज भी कर सकते हो तुम थोड़ा सा रीअरेंज क्या करना है ऊपर इसको रूट टू इंटू रूट टू लिख लो टू को टू को लिख सकते हो ना रूट टू इंटू रूट टू तो एक रूट टू ऊपर नीचे से कैंसिल आपको मिलेगा रूट टू के लैमडा डिवाइडेड बाई आर ये इलेक्ट्रिक फील है क्वार्टर सर्कल के लिए ठीक है तो सेमी सर्कल के लिए टू के लैमडा बाई आर क्वार्टर सर्कल के लिए रूट टू के लैमडा बाई आर और बेटा अगर पूरा सर्कल हो गया मान लो कंप्लीट सर्कल अब ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों कंप्लीट सर्कल के केस में 360 डिग्री है ना अब ये एंगल हो जाएगा आपका 360 डिग्री तो पता आंसर क्या आएगा टू के लैमडा बाय आर साइन थ्री सिक्सटी बाई टू साइन वन एटी साइन थ्री सिक्सटी बाई टू क्या क्या मतलब है साइन वन एटी साइन वन एटी कितना होता है बच्चों जीरो तो ये इलेक्ट्रिक फील आ जाएगी जीरो के बराबर तो किसी सर्कुलर वायर के बीच में अगर उसमें चार्ज लामडा है तो सर्कुलर लूप के बीच में इलेक्ट्रिक फील की वैल्यू जीरो आती है अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था इसी चैनल पे वहां पे ये सारे केसेस आए थे बेटा तो जब भी आप इन चीज़ों का रिवीजन करो ना तो दोनों चैप्टर का मिला के किया करो है ना ताकि यहाँ का भी क्लियर हो जाए आर्क वाला केस और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का भी क्लियर हो जाए आर्क वाला केस क्योंकि सिमिलर ही है दोनों में वही वही चीज़ें बार बार निकालनी है है ना तो आप दोनों तरफ का रिविजन कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूरे सर्कल में जीरो आ जाएगी अब एग्जामिनर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गई सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गई एग्जामिनर को ये बात पसंद नहीं आई उसने क्या बोला एक्सिस पे पूछूंगा इनसे छोड़ूंगा नहीं नमूनों को बोलता है एक्सिस पे पूछूंगा तो ये है वो वाला केस ये आपका रॉड हो गया रॉड की एक्सिस हो गई एक्सिस पे पूछ रहा है सेंटर पे तो ज़ीरो है सेंटर पे तो जीरो है एक्सिस पे अगर पूछ ले तो आंसर है ये वाला एक्सिस पे अगर पूछ ले ना बेटा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में थ्री बाई टू वॉट इज एक्स सेंटर से कितनी दूरी है सेंटर से कितनी दूरी है उसको एक्स बोलते हैं है ना तो सेंटर से अगर एक्स दूरी पे निकाला जाए तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में थ्री बाई टू ये अपना आंसर रहने वाला है ठीक है बेटा नोट डाउन करो फटाफट से क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स बनता है ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो आपको रट जाना है अच्छे से रट लो एकदम है ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा मान लो ये x बराबर जीरो है मतलब सेंटर हो गया तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इधर ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आता है इधर ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आता है मतलब सोचो इंफिनिटी पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो बहुत दूर चले गए तो जीरो इधर भी बहुत दूर चले गए तो जीरो और सेंटर पे भी जीरो है। अभी निकाला था है ना? तो मैक्सिमम कहां पे होता है मैक्सिमम होता है बेटा आर बाई रूट टू पे और इधर माइनस आर बाई रूट टू पे इतनी दूरी पे मैक्सिमम पाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है दूर चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा इधर भी दूर चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा सेंटर पे रहेंगे तो भी जीरो हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है आर बाई रूट टू और इधर भी माइनस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम होता है ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना है और ये ग्राफ हमको याद रखना है क्या पता है? इसमें सवाल बन जाए इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में थ्री बाई टू ठीक है चलो फटाफट दिल बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हो गया एक बचा है बस इनफाइनाइट शीट सिग्मा बाई टू एप्साइलन नॉट ये कैपेसिटर में काम आता है अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एपसाइलन नॉट होती है ठीक है सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एप्साइलन नॉट होती है सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एप्साइलन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज शीट ठीक है बेटा चलिए सर डन हो गया सर डन हो गया अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स ठीक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर ये बताता है काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया ठीक है कितना इलेक्ट्रिक फील लाइन किसी भी एरिया को क्रॉस कर रहा है वो कौन बताता है फ्लक्स या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो एनर्जी क्रॉसिंग एरिया एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया किसी एरिया में कितना एनर्जी क्रॉस किया वो किससे पता चलेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस किया है ना तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करें तो फ्लक्स ज़्यादा है कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करें तो फ्लक्स कम है ठीक है बताइए इन दोनों केसेस में फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा ठीक है ये दो मैंने एरिया बना लिए बेटे इसमें से इतनी लाइन्स जा रही हैं इसमें से ढेर सारी लाइंस जा रही है फ्लक्स किसमें ज्यादा है सेकेंड वाले में क्योंकि फ्लक्स इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग एन एरिया ज्यादा लाइन्स क्रॉस करेंगी तो ज्यादा फ्लक्स होगा है ना ज्यादा लाइन्स क्रॉस करेंगी तो ज्यादा फ्लक्स होगा अभी फ्लक्स ओपन सर्फिस के लिए कैसे निकाला जाता है क्या फॉर्मूला है तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डी ए डॉट यानी कि कॉस थीटा है ना तो ई डी ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा ठीक है तो आइए इस पर थोड़ा सवाल हो जाए राइट चलिए मान लो बेटा मैं कहता हूं एक ओपन सरफेस है ऐसे ठीक है ओपन सरफेस है ऐसे रखा हुआ है यू ऐसे रखा हुआ है चलो क्लासमेट की कॉपी ले लेते हैं समझाने के लिए ऐसे दिस वीडियो बाई क्लासमेट कोई स्पॉन्सर नहीं इस वीडियो का यस yes. तो मान लो ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया किधर होगा बच्चों? कोई ओपन सरफेस जब रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है परपेंडिकुलर यू तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर का दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर मैं कहता हूं बच्चों इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आप लोग मुझे इसका फ्लक्स बता सकते हो कितना होगा वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स बच्चों तो फ्लक्स का फॉर्मूला रहेगा ई इंटू ए इंटू कॉस जीरो डिग्री क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है एरिया भी उधर है तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री हो गया कॉज जीरो होता है वन तो फ्लक्स आ जाएगा ई ए, ए है ना ई ए, ए आ जाएगा आपका फ्लक्स सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया छोटा सा एरिया दिया रहेगा तो डी ए लिखेंगे बड़ा एरिया ए गिवन है तो अपन ए लिख देंगे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सर मान लो ऐसा है एरिया तो इधर है बट इलेक्ट्रिक फील ऊपर की तरफ जा रही है अब बताओ अब बताओ कितना फ्लक्स होगा बच्चों व्हाट इज द फ्लक्स नाउ वट इज द फ्लक्स नाउ कमान इलेक्ट्रिक फील ऊपर जा रही है और एरिया राइट right की तरफ है तो फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस नाइन्टी डिग्री है ना कॉस नाइन्टी होता है बेटा जीरो तो फ्लक्स मिलेगा हमें जीरो के बराबर फ्लक्स मिलेगा हमें जीरो के बराबर कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा यहाँ पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को छू के निकल गई क्रॉस नहीं करी क्रॉस नहीं करी है ऐसे करके क्रॉस नहीं करी है बल्कि ऐसे छू के निकल गई है बस है ना टच करके निकल गई है ऐसे जरा ज़रा टच मी टच मी टच मी हो गया है ना ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी ऐसे छू के निकल गई बस तो छू के निकल जाने वाले केस में लाइन तो क्रॉस कर नहीं रही है इसीलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया क्रॉस ही नहीं किया तो फिर कहेगा फ्लक्स है ना छूके निकल गई जरा जरा टच मी टचमी टचमी हो गया फ्लक्स की वैल्यू जीरो आ गई बहुत बढ़िया अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो एक एरिया है जो एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है ठीक है एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक्स वाई प्लेन पे है और ऐसे हैं 45 डिग्री पे एक्स एक्सेस के साथ ठीक है फ्लक्स बताओ ऑप्शन ई ए, ए बाई रूट टू या फिर ई ए, ए या फिर ई ए, ए बाई टू या फिर जीरो चलो इसका आंसर बताओ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कल से होगा ना बेटा कल से होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ना फंस गए तुम लोग फिर से है ना मैंने फिर से फंसा लिया तुम लोगों को देखो मुझसे फंस जाओ तो फायदे में रहोगे एन टी ए लेगा तो दोनों को बुरा लगेगा मुझे भी बुरा लगेगा तुम्हें भी बुरा लगेगा है ना तो एन टी ए से नहीं फंसना अपने को नहीं 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 नहीं, नहीं. मुझसे फंस जाओ चलेगा एन टी ए से नहीं फंसना हाँ करेक्ट आंसर ए नहीं है करेक्ट आंसर है बेटा डी डी इज द करेक्ट आंसर ये क्या हो गया सर ये कैसे हो गया सर देखो प्लेन ऐसे रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है एरिया है ना और लाइन ऐसे जा रही है उसी में उसी सरफेस में है एक्स वाई प्लेन पे ही ये भी रखा हुआ है और एक्स वाई प्लेन पे भी लाइन भी जा रही है आपकी तो पता है एंगल कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का नाइन्टी डिग्री कैसे भाई ये एरिया है आपका एरिया का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखी हुई है तो नाइन्टी डिग्री नहीं हुआ क्या ये जेड एक्सेस और इलेक्ट्रीफिल एक्स वाई प्लेन पे है जेड एक्सेस और ये इलेक्ट्रीफिल एक्स वाई प्लेन पे है तो फोर्टी फाइव से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे फोर्टी फाइव का कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी एंगल पे रखो वो है तो एक्स वाई प्लेन पे ना वो है तो एक्स बाई प्लेन पे और एरिया वेक्टर तो जेड में आएगा तो जेड एक्सेस विल मेक नाइन्टी डिग्री विथ एक्स बाई प्लेन चाहे नाइन्टी चाहे फोर्टी फाइव पे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो कैसे कैसे भी घुमाते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ठीक है वो हमेशा नाइन्टी डिग्री ही बनाएगा एरिया वैक्टर के साथ और नाइन्टी डिग्री बनाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो के बराबर ये अच्छा क्वेश्चन था ना बच्चों जीरो है ना तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू जीरो तो बताइए फ्लक्स फॉर ओपन सरफेस निकालना आ गया क्या सभी को सारे बच्चों को ओपन hmm. सरफेस का फ्लक्स आ गया निकालना चलिए आगे बढ़ते हैं आइए अगला है बच्चों फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस देखो क्लोज्ड सरफेस मतलब कोई डब्बा है ना कोई डब्बा सा हो या फिर कोई स्फीयर सा हो आपके पास ठीक है जैसे कि मान लो ये एक स्फीयर है पूरा गोल ना ये है ना यह पूरा स्फीयर है यह स्फियर एक क्लोज सर्फेस है तो क्लोज्ड सरफ़ेस में पहले तो एरिया वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है तो बेटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड नॉर्मल कैसी होती है बेटा आउटवर्ड नॉर्मल यानी कि बाहर जाता हुआ नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल ठीक है अब जैसे कि आप देखेंगे ये वाला डायग्राम ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं ना ये ये सारा आउटवर्ड नॉर्मल है दिख रहा है ये सारा आउटवर्ड नॉर्मल है बाहर जाता हुआ नॉर्मल तो ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बाहर निकलता हुआ नॉर्मल ठीक है बाहर निकलता हुआ नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल इज कॉल्ड एरिया वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेस ठीक है तो ये याद रखिएगा अब फ्लक्स कैसे निकालते हैं देखिए ठीक है मान लो बेटा मान लो मैं कहता हूं कि हमारे पास में ना एक यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है और एक चार्ज रखा हुआ है बाहर चार्ज क्यू रखा हुआ है बाहर ठीक है आउटसाइड तो यहां से ऐसे जाएंगी क्या लाइंस, बिल्कुल सर ऐसे जाएंगी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी क्या आप लॉजिक से बता सकते हैं नेट फ्लक्स कितना हुआ सरफेस में नेट फ्लक्स लॉजिक से कैसे बताना है पता है लॉजिक ये है कि जितनी लाइंस अंदर गई हैं उतनी ही लाइंस बाहर भी जा रही हैं देखो नंबर ऑफ लाइंस गोइंग इन बराबर नंबर ऑफ लाइंस गोइंग आउट वन टू थ्री थ्री अंदर गई हैं और वन टू थ्री थ्री बाहर भी गई है तो नंबर ऑफ लाइंस इन नंबर ऑफ लाइंस गोइंग इन बराबर नंबर ऑफ लाइंस गोइंग आउट जितनी लाइंस इन उतनी लाइंस आउट नेट फ्लक्स जीरो नेट फ्लक्स बेटा जीरो गॉस ने यही पॉइंट पकड़ लिया गॉस लॉ अभी आप पढ़ेंगे ना थोड़ी देर में उसने यही पॉइंट पकड़ लिया कि अगर चार्ज बाहर रखा होता है तो बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स जो होता है वो जीरो आता है आ रहा है जीरो जितनी लाइंस अंदर उतनी लाइंस बाहर है ना अब मैं आपको और भी केसेस बना के दे सकता हूं मान लो ये वाला केस बना दिया है ना क्यूब वाला एक क्यूब रखा हुआ है ठीक है यहां से लाइंस ऐसे आती हैं वहां चली जाती हैं आती हैं चली जाती हैं बता दो तो नेटफ्लक्स कितना होगा बच्चों अगेन जीरो नेटफ्लक्स विल बी अगेन जीरो क्योंकि वही लॉजिक रहेगा अपना जितनी लाइंस अंदर जा रही हैं वन टू थ्री उतनी ही लाइंस बाहर भी आ रही हैं वन टू थ्री नंबर ऑफ लाइंस गोइंग इन बराबर नंबर ऑफ लाइंस गोइंग आउट तो फ्लक्स गोइंग इन बराबर फ्लक्स गोइंग आउट तो नेट फ्लक्स अगेन कितना हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा ठीक है तो अगर चार्ज बाहर रखा है बाहर रखा है तो उसकी वजह से वॉट इज द फ्लक्स ऑन अ क्लोज सर्फेस बच्चों अगर चार्ज बाहर रखा है तो फ्लक्स ऑन क्लोज सर्फेस इज जीरो तो अगला सवाल आपके मन में आता होगा कि सर अगर चार्ज अंदर रखा होता तो तो जीरो नहीं होता क्या नहीं तो जीरो नहीं होता फ्लक्स जीरो तब होता है जब चार्ज बाहर रखा हो है ना नेट फ्लक्स व्हेन चार्ज इज केप्ट आउट द क्लोद सरफेस इज चार्ज इज केप्ट आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो लेकिन अगर चार्ज अंदर रखा हो हाउ मच इज द फ्लक्स अगर चार्ज अंदर रखा हो बेटा अगर चार्ज अंदर रखा हो बच्चों तो फ्लक्स होता है Q बाई एपसाइलेंट नॉट इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है जो हमें करने की जरूरत नहीं है हमें फॉर्मूला याद रख लेना है Q बाई एपसाइलेंट नॉट फ्लक्स इज गिवन बाई Q बाई एपसाइलेंट नॉट आप चाहो तो मैं तुरंत डेरिवेशन भी दे दूंगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है छोटा सा डेरिवेशन है इसका इफ यू वॉन्ट आई कैन गिव इट देखो क्या डेरिवेशन होता है देखो डेरिवेशन ऐसे होता है कि मान लो चार्ज सेंटर पे रखा है ठीक है तो सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना बेटा सरफेस पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर आर दूरी पे और इसका एरिया भी कितना होगा फोर पाई आर स्क्वायर तो फ्लक्स कितना लिखेंगे आप फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया यानी कि के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू एरिया फोर बाई आर स्कवायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसल हो जाता है ठीक है के को लिख सकते हैं वन अपन फोर पाई एपसाइल एन नॉट क्यू फोर पाई फोर पाई फोर पाई कैंसल हो जाता है देखो क्यू बाई एपसाइलन नॉट आ गया तो फ्लक्स जब चार्ज अंदर रखा हो तब होता है क्यू बाई एपसाइल नॉट फ्लक्स जब चार्ज अंदर रखा हो तब होता है क्यू बाय एंड नॉट तो आज के बाद जो कंक्लूजन है जो याद रखना है वो ये है कि मान लो कोई क्लोज सरफेस है चार्ज बाहर रखा है बोलो बेटा फ्लक्स कितना फटाफट स्पैम कर दो चार्ज बाहर रखा है फ्लक्स कितना जीरो लेकिन कोई क्लोज सरफेस है चार्ज अंदर रखा है अब बोलो फ्लक्स कितना क्यू बाई एबसाइल नॉट अंदर रखा है क्यू बाई नॉट फ्लक्स होगा बाहर रखा है फ्लक्स होगा। यही दो पॉइंट्स गॉस ने समझ लिए और यहीं से एक लॉ बना दिया जिसको बोलते हैं गॉस लॉ ठीक है जिसको बोलते हैं प्यार से गॉस लॉ तो गॉस लॉ क्या है सुनना चाहोगे सुनो गॉस लॉ ने क्या बोला गॉस ने क्या बोला गॉस ने बोला कि एक क्लोज सर्फेस ले लो ऐसे ठीक है एरिया इसका डीए मान लो आप इसमें कुछ चार्जेस अंदर ले लो Q1 अंदर ले लो Q2 अंदर ले लो Q3 आप बाहर ले लो ठीक है Q3 आप बाहर ले लो तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रल E डॉट डी ए क्या है बच्चा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स होता है ना ये अरे हा ना पूरे लूप के लिए फ्लक्स है ये है ना ई डॉट डी ए तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एपाइलेंड नॉट सिर्फ एनक्लोज वाला लेने के लिए बोल रहा है ओनली एनक्लोज्ड वाला लेने के लिए बोल रहा है क्यों क्योंकि फ्लक्स सिर्फ अंदर वालों की वजह से ही होता है बाहर वालों की वजह से नहीं होता है तो क्यू एनक्लोज में क्या क्या आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा क्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय एपसाइलेंट नॉट हो जाएगा तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एबसाइल नॉट समझ आया यही गॉस ने बोल दिया कि भाई अंदर वालों की वजह से फ्लक्स होगा और बाहर वालों की वजह से फ्लक्स जीरो तो बाहर वालों को यहां पे मत डालो आप है ना Q1 Q2 लिखो जो कि अंदर है Q3 मत लिखो Q3 बाहर है लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ड्यू टू ऑल Q1 Q2 Q3 इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से होता है बेटा देखो बाहर वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करता है ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा रहा ना तो तो लगा है ना ये बेचारा फ्लक्स जीरो की वजह से आती है इलेक्ट्रिक क्यू थ्री लेकिन जो Q एनक्लोज है वो सिर्फ अंदर वाले ही रहते हैं यानी कि Q1 वन प्लस क्यू ही रहते हैं बाहर वालों को नहीं लिया जाता है क्यू एनक्लोज में ठीक है तो ये है आपका गॉस लॉ ये है आपका गॉस लॉ लिख लो फटाफट फड़ बेटा और एक बार दिल बना दो बहुत देर से दिल नहीं बनाया तुम लोगों ने कमान गॉस लॉ डन तो बस यही ध्यान में रखना है कि बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स जीरो हो जाएगा अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स क्यू बायसाइल नॉट हो जाएगा है ना क्यू डिवाइडेड बाई एपसाइलन नॉट हो जाएगा चलिए और कुछ बातें बताते हैं आपको आइए और कुछ बातें ये है बेटा ये जो फ्लक्स है क्यू बाय एपसाइलेंट नॉट ये रेडियस के इंडिपेंडेंट है यानी कि अगर एक छोटा सा स्फीयर लिया गया ठीक है सेंटर पे आपका चार्ज क्यू है मान लो क्यू से कुछ चार लाइनें निकलती हैं ऐसे एक दो तीन चार चार लाइनें निकलती हैं ठीक है तो मान लो इस वाले स्फीयर का फ्लक्स है क्यूबाई एप्साइलन नॉट फ्लक्स कितना है बच्चों क्यूबाई एप्साइल नॉट पढ़ा हुआ है आपका अभी अभी पढ़ा आपने अगर मैं यहां पे एक बड़ा स्फीयर भी ड्रॉ कर देता हूं बड़ा स्फीयर उसका फ्लक्स सेम रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा क्या कहता है क्या कहते हो आप लोग बड़े वाले स्फीयर का फ्लक्स सेम रहेगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा सेम रहेगा

सेम लाइंस क्रॉस कर रही है तो सेम फ्लक्स होगा तो यहां पे आप इससे बड़ा भी ले लो सभी में सेम टू सेम फ्लक्स मिलेगा यानी कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है ना फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज बड़ा ले लो छोटा ले लो सब में बराबर फ्लक्स मिलने वाला है अलग अलग फ्लक्स नहीं मिलने वाला है ना सेम टू सेम फ्लक्स मिलने वाला है दूसरा लॉजिक इसी में है बेटा कि मान लो एक आपने गोला बना दिया ठीक है गोला गोलू मोलू छोटा सा ठीक है उसके आगे आपने कुछ अमीबा टाइप का कोई शेप बना दिया एकदम रैंडम सा याद है अमीबा का शेप बनाते थे पांच नंबर मिल जाता था है ना अब वो दिन पता नहीं कहाँ चले गए राइट चार चार नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है पहले अमीबा का डायग्राम कुछ भी रैंडम बना दो नंबर मिल जाते थे राइट बचपन में एनीवेज तो ये अमीबा टाइप कुछ तो मैंने शेप बना दिया उसके बाहर चाहो तो तुम कुछ और भी शेप बना सकते हो फ्लक्स इनमें भी सेम मिलेगा फ्लक्स जो है इनमें भी सेम मिलेगा क्यों क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस सेम है है ना जितनी लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं स्फीयर वाले को उतनी लाइंस बाहर वाले रैंडम शेप को भी क्रॉस कर रही हैं तो क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया इज सेम इसीलिए फ्लक्स विल बी सेम यानी कि फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है बेटा है ना कैसा भी शेप ले लो आप कैसा भी शेप ले लो सेम आपको फ्लक्स मिलेगा क्यू बाय एपसाइलन नॉट ठीक है तो चाहो तो ऐसा भी ले लो इसके अंदर रख दो चार्ज क्यू तो भी सेम मिलेगा फ्लक्स बराबर क्यू बायसाइलन नॉट तो कल हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो इसके बेसिस पे होंगे है ना क्यूब वगैरह के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे फिलहाल के लिए अपना फ्लक्स खत्म हो चुका है फ्लक्स के अलावा अपना गॉस लॉ खत्म हो चुका है अगला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कल के क्लास के लिए एक्साइटेड हो ना तुम लोग कल बहुत सारी प्रैक्टिस होगी सौ क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के है ना आना है सभी को भाई हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू अगर दो चार्जेस हैं Q1, Q2, बीच में दूरी है r, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r, इसमें r स्क्वायर नहीं होता है बस ठीक है लेकिन इस फॉर्मूले में Q1 Q2 को विथ साइन रखना होता है Q1 Q2 को विथ साइन रखना होता है अगर एक प्लस है एक माइनस है तो अकॉर्डिंगली ही रखना है ठीक है एक को प्लस रखना है दूसरे को माइनस ही रखना है ठीक है ना के q1 q2 डिवाइडेड बाय r इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है देखिए इस पे सवाल कैसा बन सकता है मैं आपको बताता हूं मान लीजिए एक स्क्वायर गिवन है बेटा ठीक है एक स्क्वायर गिवन है ओके यहां पे चार्ज है q 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 आपको बोल दिया इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो ठीक है इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो ये ए हो गया ये भी ए हो गया ये भी ए हो गया ये भी ए हो, हो गया कैसे निकालेंगे इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हाउ डू वी कैलकुलेट दैट तो देखो हर दो चार्ज का एक कपल बन रहा है जिसका आंसर है के क्यू वन क्यू टू बाई आर दो चार्ज का जोड़ी बनाते जाना है ठीक है वैसे तो जोड़ियां भगवान बनाते हैं ऐसा कहते हैं है ना लेकिन हमें जोड़ियां बनानी है यहाँ पे दो दो के कपल बनाते जाना है ठीक है कितने कपल बनेंगे बच्चों यहाँ पे देखो एक कपल ये वाला बन जाएगा एक कपल ये वाला बन जाएगा है ना दो हो गए एक कपल ये वाला बन जाएगा और एक कपल ये वाला बन जाएगा डायगनल वाला तुम भूल जाते हो तभी तुम सिंगल हो डायगनल वाला देखते ही नहीं हो कि डायगनल में भी कपल बनेगा टोटल छः कपल बनेंगे चार तो साइड साइड में ही है देखो ये एक दो तीन चार चार तो साइड साइड में ही है एक ये पांच और एक ये दो डायगनल भी हैं है ना बेटा तो छ कपल बनेंगे यहाँ पे डायगनल वाले में भूलना है ना यस वैसे कितने कपल बनेंगे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है एन एन माइनस वन बाई टू एन क्या है नंबर ऑफ चार्जेस चार्जेस अगर चार हैं तो चार चार माइनस एक बाई दो करके देखो छः आ जाएगा इससे निकाल सकते हो तुरंत तो कि कितने कपल बनने वाले हैं ठीक है एन एन माइनस वन बाई टू करके चेक कर सकते हो कि कितने कपल्स बनेंगे अब देखो बेटा चार कपल तो नॉर्मल से बनेंगे देखो इनके बीच की दूरी ए है इनके भी बीच की दूरी ए है इनके भी बीच की दूरी ए है इनके भी बीच की दूरी ए, ए है है ना तो चार तो बहुत सिंपल से हैं के क्यू बाई क्यू स्क्वायर बाई ए के क्यू वन क्यू टू बाई ए है ना ए इज द दूरी बिटवीन दम तो के क्यू स्क्वायर बाई ए में अगर चार मल्टीप्लाई कर दूं, तो चार कपल्स का काम हो गया क्या बच्चों है ना सभी के बीच में दूरी ए थी चार का, का काम तो हो गया अपना इसका काम हो गया इसका काम हो गया इसका काम हो गया इसका काम हो गया चार तो गए प्लस अभी दो और हैं कौन कौन से डायगेल वाले तो डायगनल वालों के बीच की दूरी कितनी है बेटा तो रूट टू ए है, है ना तो आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए और ऐसे कितने हैं डायगनल वाले दो तो दो से मल्टीप्लाई कर दो बस ये है आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं अगर इस सिस्टम को तोड़ना है आपको अलग अलग करना है चार्जेस को तो इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके आप इसको तोड़ पाएंगे तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी एज वेल ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी से भी सवाल आ सकता है बाइंडिंग एनर्जी बोल लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बोल लीजिए आप ठीक है यस चलो नोट डाउन करो फटाफट और दिल बनाओ एक बार जल्दी से तो चार कॉर्नर वाले हो गए और दो डायगोनल वाले हो गए अपना काम डन एंड डस्टेड हो गया ठीक है ना चार कॉर्नर वाले और दो डायगनल वाले चलो आगे बढ़े है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल तो जैसे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो फोर्स अपॉन चार्ज किया था फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक चार्ज है क्यू आर दूरी पे क्यू नॉट रखा है टेस्ट चार्ज तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी के क्यू क्यू नॉट बाई आर लेकिन पोटेंशियल कितना होगा तो पोटेंशियल हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई क्यू नॉट यानी कि के क्यू बाई आर तो किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर सिंपल ठीक है एनी चार्ज पार्टिकल क्यू एट एनी डिस्टेंस आर पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई आर अच्छी बात यह है कि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है है ना ये स्केलर क्वांटिटी है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है डायरेक्ट खाली मैग्नेटिड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सोचना पड़ता था कि इधर डायरेक्शन होगा उधर डायरेक्शन होगा इसमें डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि एक स्क्वायर है ठीक है बेटा यहाँ पे चार्ज है क्यू यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू बोलेगा सेंटर पे निकालो पोटेंशियल कितना है बोलेगा सेंटर पे निकालो पोटेंशियल कितना है तो आपको डायरेक्शन नहीं सोचना है कि इसकी वजह से इधर होगा उसकी वजह से उधर होगा कुछ नहीं स्केलर है ये पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल आर द स्केलर क्वांटिटीज कुछ नहीं सोचना है बस ये देखना है कि मान लो अगर डाइगनल से ये दूरी सेंटर से ये दूरी मान लो ए है है ना तो इसका हो जाएगा के क्यू बाई इसका भी हो जाएगा के क्यू बाई ए इसका हो जाएगा माइनस के क्यू बाई और इसका हो जाएगा माइनस के क्यू बाई तो नेट आ जाएगा आपका जीरो कितने लोगों का आ गया था बेटा जीरो जीरो आ गया था जीरो हो जाएगा नेट पोटेंशियल है ना इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और आपका पोटेंशियल जीरो आ गया तो अच्छी बात है ना पोटेंशियल की ये बेटा कि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है सीधा खाली मैग्नीट्यूड देखो और काम हो जाता है ठीक है अगला टॉपिक है बच्चों रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या रिलेशन है दोनों के बीच में सिंपल सा रिलेशन है बच्चों बहुत आसान सा रिलेशन है मैं आपको समझाता हूं क्या है वो रिलेशन है ना तो आपने कभी वेद ये शॉर्ट ट्रिक याद किया है मैंने कई बार करवाया पहले V बराबर ई इंटू डी वेद वी इज द पोटेंशियल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड D इज द डिस्टेंस वेद है ना हालांकि ये तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ठीक है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो तो ये रिलेशन ऐसा लिखा जाता है डीवी बराबर माइनस ई डॉट डीएल डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी एल ठीक है डीवी वी इज द चेंज इन पोटेंशियल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल इज द डिस्टेंस है ना तो डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी एल यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा माइनस डीवी बाई डीएल है ना माइनस डीवी बाई डी एल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा जाता है देखो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप ये जो डी वी बाई डी एल था ना वो एक्स में अलग से आ गया तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स बन गया आई कैप यही डी वी बाई डी एल वाई में आ गया डेल वी बाई डेल वाई बन गया जे कैप डेल वी बाय जेड बन गया के कैप इसमें डी था सीधा इसमें होता है डेल ऐसे उल्टा ठीक है इसका मतलब होता है पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन तो माइनस डेल वी बाईस आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय जेड के कैप ठीक है अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं कैसे सॉल्व होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताता हूँ ठीक है बट ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा ठीक है ना माइनस डेल वी बाईस डेल वी बाईल डेल वी बाई जे ये आप वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ते हो वैसे ठीक है अब ये इस पे बेसिस पे इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखो मान लो आपको गिवन है v बराबर टू एक्स वाई जेड है ना टू एक्स वाई इंटू जेड हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या है तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप ये फॉर्मूला है ठीक है यही फॉर्मूला है ना बेटा बिल्कुल यही फॉर्मूला है सर अब देखो कैसे सॉल्व होगा है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है जब आप एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेंगे कि y और z को कांस्टेंट मान लेंगे जब आप y में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे जब आप z में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो x और y को कांस्टेंट मान लेंगे यानी कि जो दो बच गए जो दो बच गए उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है ठीक है तो यहां पे y और z को कांस्टेंट मान लिया जाएगा यहाँ पे x और z को कांस्टेंट मान लिया जाएगा यहां पे आपका x और y कांस्टेंट मान लिया जाएगा अब देखो मैं करके बताता हूं डिफरेंशिएट ठीक है देखो 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 देखो, देखो भाई माइनस साइन तो है ही बाहर है ना इसको डिफरेंशिएट करना है टू एक्स वाई जेड और वाई जेड को कॉन्स्टेंट मान लेना है तो टू बाहर आ जाएगा वाई बाहर आ जाएगा जेड बाहर आ जाएगा जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो गया सबको चमका गया सबका हुआ क्या ये वाला पहला वाला लिख के बताओ आंसर आ रहा है पहला वाला इतना टू बाहर आ गया वाई बाहर आ गया जेड बाहर आ गया है ना सारे कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ गए देखो अंश ने आंसर लिख दिया टू वाई जेड टू एक्स जेड टू एक्स वाई सही तो है तो यहां पे आई कैप है ना माइनस अब देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे तो टू एक्स जेड बाहर आ गया y का हो जाएगा वन यहाँ पे लगा दो आप जे कैप माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो टू एक्स वाई बाहर आ जाएगा टू एक्स वाई बाहर आ जाएगा z का हो जाएगा वन आंसर आ जाएगा यहाँ पे के कैप ठीक है तो ये है आपका एक और वराइटी ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल बनता है ठीक है तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होता है ओके okay, बेटा चलो अगर इफ इलेक्ट्रिक फील इज कांस्टेंट, ठीक है तो फॉर्मूला है वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर वेद बराबर ईडी कॉस्थीटा अगर इलेक्ट्रिक फील कांस्टेंट है तो v इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर ई डी कॉस थीटा होता है ठीक है अब जैसे कि देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले लिया आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले लिया आपने ठीक है दिस इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक पॉइंट में लेता हूं यहां पे वन ए ले लो यहां पे बी ले लो ठीक है मान लो मेरे को निकालना है बच्चों वी ए माइनस वी बी ठीक है Va -vb निकालना है कैसे निकालेंगे बच्चों वी ए माइनस वी बी ए और बी के बीच का डिस्टेंस देख लो ये डी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो और डी देख लो बीच में कितना एंगल है बेटा जीरो है ना कॉस इज जीरो तो वी ए माइनस बी बी कितना आ जाएगा ई डी कॉस जीरो जीरो यानी कि वन तो आपका आंसर आ जाएगा ई इंटू डी ओनली जीरो डिग्री एंगल है ना ए से बी के बीच में ए से बी के बीच में है ना ए से बी के बीच में इनिशियल से फाइनल ए माइनस बी जीरो डिग्री एंगल है तो ई इंटू डी हो गया खत्म अच्छा सोचो वी ए माइनस वी बी अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है कैन आई से ए इज ग्रेटर पोटेंशियल बी इज स्मॉलर पोटेंशियल बिल्कुल वी ए इज ग्रेटर देन वी बी ए जो है ना बच्चों वो बड़ा पोटेंशियल होगा बी जो है ना वो छोटा पोटेंशियल होगा ए इज बिगर पोटेंशियल बी इज स्मॉलर पोटेंशियल इंटरेस्टिंग ये तब हो जाता है जब आप एक चीज पहले तो लिख लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है ए हायर है बी लोअर है ए से बी जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील गोस फ्राम हाई टू लो पोटेंशियल है ना ये अपना हाई पोटेंशियल है यह अपना लो पोटेंशियल है तो हाई से उठ के फिर लो की तरफ जा रहा है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो यह अपने को लिखना है, है ना इलेक्ट्रिक फील गोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ए इज हायर बी इज लोअर अब मैं आपसे कहता हूं ऐसे फील्ड बना लो यहां पे पॉइंट ए और यहां पे पॉइंट सी ठीक है बेटा अब बताओ तो बच्चों कितना होगा आपका वी ए माइनस बी सी फॉर्मूला क्या था ईडी कॉस थीटा है ना अब देखो ए सी का लाइन नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है यानी कि डी नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील राइट की तरफ है जीरो आ जाएगा है ना 90 डिग्री एंगल आ रहा है बेटा 90 डिग्री एंगल आ रहा है बच्चों तो वी ए माइनस वी सी बराबर जीरो आ जाएगा तो एक्चुअली होता क्या है ना होता यह है कि आप ऐसा एक पूरा का पूरा प्लेन बना सकते हो ऐसा जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ऐसा एक प्लेन इमेजिन करो ऐसा एक प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो ये सारे पॉइंट्स परपेंडिकुलर हो गए उसके है ना ये क्लासमेट ले लेता हूँ मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो परपेंडिकुलर हो गए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गए तो ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा इसको बोलते हैं बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस आज मेरे को ना माइग्रेन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है माइग्रेन है मुझे बट फिर भी मैं पूरा पढ़ा के जाऊंगा आपको ना आई विल कंप्लीट एवरीथिंग डोंट वरी तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस समझ में आया बेटा ऐसा सरफेस जहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है है ना देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा दिस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल जैसे आपने देखा ना वी ए माइनस बी सी जीरो है वैसे कोई भी पॉइंट आप ले लो है ना ऐसे आप कोई भी पॉइंट ले लो इस पूरे सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होगा हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहने वाला है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इसको बोलते हैं ठीक है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस भी तीन टाइप का होता है वैसे पहला तो प्लेनर है जो आप देख ही रहे हैं अभी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्स्टेंट लिया तो प्लेनर बन गया स्फेरिकल भी बनता है अगर पॉइंट चार्ज ले लिया आपने अगर सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल बनता है और अगर लाइन चार्ज लिया जाए लाइन चार्ज तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल बनता है सभी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में एक खास बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेस होती है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेस आर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये 2022 में पूछा गया था कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है तो नाइन्टी डिग्री ठीक है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये कहीं पे लिख लो आप चाहे कोई सा भी हो ये वाला भी लोगे तो भी देख लो लाइन्स परपेंडिकुलर मिलेंगी आपको ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्वीपोटेंशियल ठीक है इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइंस ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है अपना स्फीयर्स ठीक है स्फीयर्स में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फीयर्स होते हैं भाई क्या क्या टाइप्स ऑफ स्फीयर्स हैं तो पहला है आपका होलो कंडक्टिंग एच सी कंडक्टिंग ठीक है दूसरा आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग तीसरा आपका सॉलिड कंडक्टिंग और चौथा है बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ये चार टाइप के स्फीयर्स होते हैं ठीक है फोर टाइप्स ऑफ स्पियस आर देयर हॉलो में चार्ज जो है वो सरफेस पे रहेगा ये देखो चार्ज जो है वो कहाँ रहेगा बच्चों सरफेस पे रहेगा ये भी देखो हॉलो है इसमें भी चार्ज आपका सरफेस पे ही रहेगा ठीक है ये भी हॉलो है चार्ज सरफेस पे रहेगा ये भी हॉलो है तो चार्ज जो है वो सरफेस पे ही रहेगा बहुत तेज माइग्रेन पेन हो रहा है बहुत तेज आई के नॉट एक्सप्लेन दैट एक तो ना लाइट से प्रॉब्लम होती है मुझे माइग्रेन में लाइट से प्रॉब्लम होती है अगर लाइट बहुत तेज़ है आपकी आंखों में तो आपको और ज़्यादा बढ़ता है वो पेन अब यहाँ पे लाइट्स हैं बहुत सारी क्योंकि क्लास लेनी है तो लाइट्स तो रहेंगी तो वो और बढ़ रहा है बट कोई बात नहीं इस फियर के बाद डाइपोल है फिर सेशन एंड हो जाएगा पूरा करके ही जाते हैं है ना बेटा इतना किया है दो घंटे कर लिए तो थोड़ा सा और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वी विल कम्प्लीट इट है ना कम्प्लीट करते हैं पहले कम्प्लीट करते हैं पूरा करते हैं क्योंकि कल फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है फिर आज कंप्लीट नहीं किया तो फिर कल प्रैक्टिस कैसे करेंगे राइट कंप्लीट करते हैं आ जाओ तुम्हारा साथ है तो फिर हो जाएगा बेटा सॉलिड कंडक्टिंग जो होता है ना इसमें भी चार्ज सरफेस पे ही होता है है तो ये सॉलिड लेकिन चार्जेस रिपेल हो के सर्फेस पे आ जाते हैं एक दूसरे को रिपेल कर करके रिपेल कर करके रिपेल कर करके कर 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 सरफेस पे भेज देते हैं ये ठीक है और कंडक्टिंग है इसलिए रिपेल होके आ भी जाता है लेकिन यहां पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर रहता है चार्ज इस वाले केस में बेटा अंदर रहता है तो तीन केस सिमिलर हो जाते हैं हॉलो कंडक्टिंग हॉलो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग ये तीनों केस सेम हो जाते हैं और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एक अलग केस बन जाता है ठीक है तो आइए मैं आपको ये दो केसेस पढ़ाता हूं मतलब ये एक हो गया पूरा ये एक हो गया और ये एक हो गया है ना तो देखो बेटा इधर लिख लो हॉलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग इधर लिख लो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ठीक है डायग्राम कैसा बनेगा इधर डायग्राम बनेगा जहां पे सरफेस चार्ज होगा चार्ज एट सरफेस इधर डायग्राम बनेगा जहां पे चार्ज एट सेंटर हर जगह है ना इसमें सिर्फ हॉल मतलब सरफेस पे चार्ज होगा इसमें हर जगह चार्ज ऐसे फैला हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ठीक है चलो बच्चों हेल्प करो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील कितनी है जीरो जीरो होती है अंदर वाले पॉइंट पे हॉलो में जीरो होती है, है ना अच्छा बाहर वाले पॉइंट पे कितनी होती है भाई बाहर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर आर इज द दूरी है ना कैपिटल आर बोलूंगा तो रेडियस कैपिटल आर बोलूंगा तो रेडियस स्मॉल आर बोलूंगा तो दूरी सेंटर से कितनी दूरी है वो स्मॉल आर है कैपिटल आर क्या है बेटा रेडियस है, है ना तो B पे हो गया आपका यानी कि बाहर वाले पॉइंट पे हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर ठीक है इधर जीरो होता है कि अंदर वाले पॉइंट पे सॉलिड के केस में नहीं होता इधर जीरो नहीं होता क्या होता है के क्यू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब इधर जीरो नहीं होता बेटे है ना अंदर वाले पॉइंट पे देखेंगे इधर तो जीरो नहीं होता है के क्यू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब होता है ठीक है बाहर वाले पॉइंट पे सेम होता है यानी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाहर वाले पॉइंट पे सेम होता है के क्यू बाय बाई आर स्क्वायर ग्राफ की बात की जाए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर तो पहले जीरो ठीक है बाद में ऐसे डिक्रीजिंग है ना बेटा? ये आर है ये रेडियस है आर तो अंदर वाले पॉइंट पे पूरा जीरो 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 बाहर वाले पॉइंट पे ऐसे डिक्रीजिंग है ना इधर बात की जाए अगर ग्राफ की तो इधर का ग्राफ होता है बेटा पहले लीनियर ऐसे ऊपर जाता है लीनियरली ऊपर उसके बाद आर के बाद ऐसे धीरे धीरे डिक्रीजिंग यू बाहर वाला ग्राफ तो सेम ही है यहाँ का ग्राफ देखो चाहे यहाँ का ग्राफ देखो बाहर का ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम है, है ना अंदर का ग्राफ बस चेंज हो जाता है यहाँ पे जीरो और यहाँ पे लीनियर हो जाता है ठीक है बेटा डन हो गया डन इंडस्टेड हो गया यस yes. चलो ये इलेक्ट्रिक फील हो गया दिल बना दो एक बार जल्दी से इलेक्ट्रिक फील के लिए यस कमान बच्चों दिल बना दो यार माइग्रेन के बाद भी पढ़ा रहा हूँ इतने दर्द के बाद भी थोड़ा दिल बनाना तो बनता है तुम्हारा है ना उसके बाद भी देखो तो स्माइल करने की कोशिश कर रहा हूँ फेक तो नहीं लग रही मेरी स्माइल <laughs> क्योंकि बहुत दर्द में से उठी हुई स्माइल है वो एनीवेज चलो आ जाओ थोड़ा सा बचा है क्लास है ना यहां पे लिखते हैं बेटा पोटेंशियल ठीक है पोटेंशियल लिखेंगे अभी तो देखो ये हो गया अपना पहला वाला केस और ये हो गया अपना दूसरा वाला केस ठीक है देखो इसमें अंदर इक्वी पोटेंशियल होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील हर जगह जीरो है तो ये अंदर जो है इक्वी पोटेंशियल बन जाता है क्वी इक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस एनी इन साइड पॉइंट में सरफेस के बराबर हो जाता है तो इसीलिए इन साइड पॉइंट का के क्यू बाई कैपिटल आर होगा क्योंकि सरफेस में कैपिटल आर लिखेंगे आप है ना सरफेस के लिए बेटा कैपिटल आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए तो सरफेस का अगर के क्यू बाई कैपिटल आर लिखेंगे तो इनसाइड का सरफेस के बराबर क्योंकि इक्वी पोटेंशियल बनता है इनसाइड का सरफेस के बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर और अगर बात की जाए आउटसाइड की तो वो रहेगा के क्यू बाई स्मॉल आर जितना दूर आप जाएंगे है ना जितना दूर आप जाएंगे आर बढ़ाएंगे उतना ये कम होता जाएगा ग्राफ कैसा बनेगा भाई इसका ग्राफ तो देखो पोटेंशियल वर्सेस आर अंदर कांस्टेंट अंदर पूरा कांस्टेंट ठीक है ये देखो कॉन्स्टेंट इक्वी पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल का मतलब ही ये कॉन्स्टेंट है ना अंदर वाले सभी पॉइंट्स पे कॉन्स्टेंट सरफेस तक कॉन्स्टेंट उसके बाद में ऐसे डिक्रीजिंग बाहर में ऐसे डिक्रीजिंग ठीक है बाहर निकलते ही ऐसे डिक्रीजिंग सा रहेगा ठीक है बेटा अच्छा यहां पे इनसाइड पॉइंट का एक गंदा सा फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा और वो गंदा सा फॉर्मूला ये है इनसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्यू बाई टू आर थ्री माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर ठीक है KQ बाई टू आर थ्री माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर ये है इनसाइड पॉइंट का गंदा सा फॉर्मूला विच यू विल टू रिमेंबर इनसाइड पॉइंट के लिए और आउटसाइड पॉइंट का देखा जाए तो सेम के क्यू बाई आर जैसा इसमें है के क्यू बाई आर वैसा ही इसमें आपका केक्यू आर सेम टू सेम ठीक है ग्राफ कैसा बनता है इसका तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है 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 ना ऐसा सा इसका ग्राफ बनता है, आर ये हो जाती है. तो ये ग्राफ आपको याद रखना है ये ग्राफ आपको याद रखना है एंड यू आर डन दिस विदर का टॉपिक ठीक है बस यही एक फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा कष्ट में याद करना पड़ेगा बट आप एक बार इसको कर लेंगे तो आपका काम खत्म है फिर है ना यू आर डन एंड डस्टेड बेटा ठीक है चलो स्क्रीन ले लो दोनों चीजों का स्क्रीन ले लो ये पोटेंशियल का हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया है ना चलिए बहुत बढ़िया आखिरी टॉपिक बचता है बच्चों हमारा जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है ना वैसे तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आपको कल भर भर के क्वेश्चन करवाऊंगा खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और उससे पहले यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं इसको है ना इसका जो फॉर्मूला है वो अपन ख़त्म कर लेते हैं तो लास्ट के दस पंद्रह मिनट ये चलेगा ओके देखो भाई डाइपोल क्या होता है एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होती है है ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है और डाइपोल मोमेंट वेक्टर दिया जाता है क्यू इंटू एल से एल इज द लेंथ ठीक है वॉट इज द लेंथ बिटवीन टू चार्जेस वो एल हो गया मल्टीप्लाइड बाई क्यू कर दिया चार्ज इंटू लेंथ हो गया ठीक है ना तो डाइपोल मोमेंट वैक्टर इज गिवेन बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई एल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ठीक है बच्चों इस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है सर देखो आपको ऐसे बोला गया था एक बार कि यहाँ पे एक माइनस टू क्यू चार्ज रखा है यहां पे क्यू रखा है यहां पे क्यू रखा है ये दूरी भी एल है ये दूरी भी एल है डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकालो ठीक है डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैलकुलेट करो तो देखो कैसे होगा इस माइनस टू क्यू में से एक माइनस क्यू आप इधर ले लो एक माइनस क्यू आप उधर ले लो ठीक है तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू क्या बनाएंगे एक डाइपोल बनाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू इन एल है ना और ये वाला माइनस क्यू और ये वाला क्यू मिलके भी एक डाइपोल बनाएंगे बेटा इधर इसका भी होगा क्यू इंटू एल्व अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा रूट टू क्यू इंटू एल तो ये है आपका नेट डाइपोल मोमेंट ये भी क्यू एल ये भी क्यू एल तो नेट हो जाएगा रूट टू क्यू एल डिग्री है ना नाइन्टी डिग्री पे रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है रूट टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई L के बराबर ठीक है चलो बहुत बढ़िया अगला टॉपिक है बच्चों डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तो डाइपोल है ना तो देखो मान लो एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है पी वेक्टर मान लो ऐसे दूरी है यहां से यहां तक थीटा आर दूरी है आर वेक्टर इज द दूरी ठीक है तो बेटा किसी भी दूरी आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवेन बाई के पी बाई आर क्यूब वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला है जो हमारे को याद करना है ठीक है ये फॉर्मूला सारे बच्चे याद करेंगे जब एक्सिस पे निकाला जाता है यहां पे एक्सिस पे तो थीटा जीरो लिया जाता है एक्सिस पे तो जब आप थीटा जीरो लोगे तो एक्सिस पे कितना मिलेगा पता है ये कॉस ज़ीरो हो गया वन है ना वन हो जाएगा ये तीन और एक चार चार का अंडर रूट दो तो आंसर आएगा दो के पी बाई आर क्यूब ये एक्सेस पे आंसर आता है टू के पी बाई आर क्यूब टू के पी वैक्टर बाई आर क्यूब ठीक वहीं पे अगर आप परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर निकालोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको थीटर रखना पड़ेगा नाइन्टी डिग्री तो अगर आप यहां पे थीटा नाइनटी रखोगे तो कॉस नाइनटी जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो गया बचेगा सिर्फ के पी बायर क्यूब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखा जाता है माइनस के पी बायर क्योंकि अगर डाइपोल का डायरेक्शन आगे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पीछे आता है डायरेक्शन ऑपोजिट आता है उसी डायरेक्शन ऑपोजिट को लिखने का तरीका है माइनस के पी बायर क्यूब माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है बेटा कि अगर डाइपोल फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है उस पॉइंट पे उस गिवन पॉइंट पे ऐसा हो रहा है है ना? अगर डाइपोल आगे की तरफ है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आ रही है अगला है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल तो मान लो ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया ये आर दूरी हो गई थीटा एंगल हो गया तो बेटे पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इसमें स्क्वायर होता है नीचे है ना अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ एक्सिस पे कितना होगा बेटा एक्सिस पे अगेन थीटा बराबर जीरो लेंगे आप है ना तो पोटेंशियल हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर क्योंकि कॉस जीरो हो गया वन के बराबर थीटा जीरो हो गया थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना हो गया वन कॉस जीरो वन तो के पी बाय आर स्क्वायर है ना प्रपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर कितना लेंगे बच्चों थीटा हम लोग थीटा सर यहाँ पे नाइन्टी ले लेंगे तो जब नाइन्टी लेंगे तो कॉस नाइन्टी कितना हो जाएगा ज़ीरो तो इसीलिए पोटेंशियल होता है ज़ीरो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर पोटेंशियल होता है जीरो एक और पॉइंट ले लो पीछे की तरफ एक्सिस पे पीछे की तरफ तो एंगल कितना 180 डिग्री डाइपोल आगे है आप आर पीछे ले रहे हो है ना तो वन एटी डिग्री तो वन एटी डिग्री पे कॉस वन एटी माइनस वन तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के पी बाय आर स्क्वायर पीछे वाले पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं यहाँ पे ठीक है आगे वाले पॉइंट पे थीटा जीरो तो के पी बाय आर स्क्वायर और पेंटिकुलर बाई सेक्टर पर थीटा नाइन्टी तो पोटेंशियल जीरो यहाँ पे वन एटी डिग्री तो माइनस के पी बाय आर स्क्वायर ठीक है बेटा तो ये हो गया आपका पोटेंशियल का काम तमाम अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जब सोचो कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर हमने एक डाइपोल को रख दिया ऐसे ऐसे एक डाइपोल को रख दिया ठीक है तो डाइपोल यानी कि यहाँ पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू क्या आप लोग बता सकते हो बेटा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नेट फोर्स कितना लगेगा इस पर नेट फोर्स नेट फोर्स लगेगा ज़ीरो कैसे सर मैं बताता हूँ कैसे फील्ड आगे है ना तो पॉजिटिव वाले पे फोर्स लगेगा आगे क्यू इन टू ई और नेगेटिव वाले पे फोर्स लगेगा पीछे क्यू इंटू ई अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो लेकिन ये घूम जाएगा ये गोल घूम जाएगा तुम्हें नहीं भरोसा होता है तो एक काम करना स्कूल में कभी एक्सपेरिमेंट करना कुछ लड़कियों को बोलना कि बाल पकड़ के मेरे इधर खींचो ठीक है राइट की तरफ बाल पकड़ के ऐसे और कुछ लड़कियों को बोलना पैर पकड़ के उधर खींचो उल्टी डायरेक्शन में तो कुछ लोग तुम्हें इधर से ऐसे खींचेंगे कुछ लोग तुम्हें नीचे से उधर खींचेंगे तुम धड़ाम से ऐसे गिरोगे तब जाके तुमको समझ में आएगा कि हाँ फील आएगी फील वही चीज़ इसके साथ हो रही है ना इसके बाल पकड़ के कुछ लोग इधर खींच रहे हैं पैर पकड़ के कुछ लोग इधर खींच रहे हैं है ना तो गोल घूम जाएगा ये गोल घूम जाएगा मतलब इस पर टॉर्क लग जाएगा इतने माइग्रेन पेन के बाद भी मैं तुम्हें हंसा पा रहा हूँ देखो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए है ना बहुत बड़ी बात है टॉर्क होता है बेटा पी क्रॉस ई टॉर्क मतलब घुमंतु इफेक्ट ऐसा इफेक्ट जो चीज़ों को घुमा देता है ठीक है तो पी क्रॉस ई इज़ द फॉर्मूला फॉर टॉर्क ठीक है ही जो मेरे को जल्दी बोल रहा है कोई तो है ना तो टॉर्क इज गिवन बाय पी क्रॉस ई पी इज द डाइपोल मोमेंट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है बेटे वहीं पे अगर एनर्जी निकाली जाए किसी डाइपोल की तो एनर्जी होता है माइनस पी डॉट ई यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा ठीक है माइनस पी ई कॉस थीटा अब फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ कब होगा बेटा क्वेश्चन वाला सेशन बताना मेरे को एक बार वेन टुमारो कितने बजे तीन बजे ठीक है कल तक अपना माइग्रेन थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं और कल पूरी एनर्जी के साथ सौ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर बीइंग फॉर टू आवर्स विथ मी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में कल तीन बजे आज थ्योरी हो गई और कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे है ना कल प्रैक्टिस करेंगे चलो बाय बाय हैव अ नाइस डे सी यू सून बाय